ये तो बहुत पुराना लग रहा है। हाँ तो तुम्हें मालूम है क्या? क्या ये कितने साल से बंद है? भाई पक्का नहीं कह पा रहा हूँ, पर मैंने सुना है कि कुछ 20 साल से बंद पड़ा है। तो फिर अभी क्यों खोल रहे हैं? अरे पैसा है भैया, पैसा पैसा है ना, सबको नचाता है ना, इसीलिए तो कॉलेज खुलने से पहले शादी के लिए किराए पे दे रहे हैं। अच्छा को भी खोलना है? अब साहब ने बोला है खोलना है तो खोलना है, खोलो। अरे यार जल्दी बंद कर, भूख लग गया, काम भी बहुत पड़ा है। तुम्ही यह जागेला साफ करू सकता, पन जो यहाँ गुजरा उसको बदल नहीं सकते। अरे 20 साल से बंद पड़ा है, अब कुछ नहीं होगा, हटो, जाने दो हमको। What you doing? तुम पागल हो क्या? हाँ, तुम्हारे प्यार में। राज, मेरी शादी हो रही है, कोई देख लेगा तो? I don't give a fuck, Simran. You know I love you, but मेरी शादी हो रही है. Can't. Babe, we've done this a million times before. Please, आज की रात. फिर जी लूँगा मैं तुम्हारे बिना. What's going on? तेरी शादी हो रही है। I'm sad. See, I don't think I can. शादी मेरी हो रही है, and you want pressure? ये सब बाद में सोचना।
When we're hooking up. हम शादी के बाद. Of course. If I'm sleeping with my boyfriend on my wedding night, then why would I stop after my marriage? Spooky man. मैं सांगेला होता. ये जगह मत खोलो. निगुंजा. भाग जा यहाँ से. भाग जा. हो जा. पागल कहीं. आज मेरे यार की शादी है। आज मेरे यार की शादी है। क्या बात? गुड। वो तो फक कब से ढूंढ रहे तुझे यार? शादी तो इधर है। कहाँ पे था तू? बाथरूम में था। बाथरूम में था। अरे परमीत? हाँ। तूने सिमरन भाभी को नहीं देखा है क्या? क्यों? सिमरन भाभी को क्यों? अबे क्योंकि तेरे भाई ने सरप्राइज प्लान कर रखा है। दुल्हे हेलो। क्या औसम बंदी है। शादी की एक रात पहले भी नहीं रुका गया उससे। अबे हम रुक सकते हैं, लेकिन मेरी और सिमरन की ना अंडरस्टैंडिंग है कि शादी के बाद हमारी सेक्स लाइफ बोरिंग नहीं होनी चाहिए। दैट्स व्हाई वी कीप प्लेइंग दीस रोल प्लेइंग गेम्स। और आज की हमारी गेम थी सेक्स विद द नेक्स्ट ऑन हर वेडिंग नाइट। हमारे पास ना तेरे लिए गिफ्ट है। या सेक्स विद एनीवन यू लाइक बिफोर योर वेडिंग नाइट ब्रो। अरे परमीत। हाँ? अबे बैचलर पार्टी छोड़ के तू उधर बैठा हुआ है, कब से ढूंढ रहे तुझे यार? क्या कर रहा है यार? अरे यार सीडी पड़ी है, पॉन एक्स लिखा हुआ है। एक्स भी लिखा हुआ है इसमें? मेरे फेरों का टाइम हो रहा है तो मैं पॉन देखने लुके बैठे मैं जा रहा हूं यार। 5 मिनट रुक भाई, 5 मिनट रुक। देख यार, देख देख तो देख यार। ये क्या है भाई? यार ये वॉल्यूम क्यों नहीं आ रही यार? कहाँ चला गया ऐसा? कौन है? कौन? लगता है भाभी को पता चल गया। राज, what the fuck is this यार? भाई भाभी को बोल, मुझे डर लगता है ऐसे यार। सिमरन, I know it's you. It's not funny, okay? सिमरन, okay? Are you recording me?
ये भाभी नहीं हो सकती भाई, कुछ कर यार, सुखी बंद कर यार इसको, स्विच इट ऑफ, वो पावर बटन दबा, खत्म कर इसको, बंद कर ना यार, पावर बटन दबाना यार, बंद नहीं हो रहा यार, जल्दी कर यार, वॉल्टर बंद कर नीचे ले यार, व्हाट द फक वाज दैट, आई हैव नो आईडिया, उसको हमारे नाम कैसे पता चले यार, डूड आई हैव नो आईडिया मैन, गाइस क्या ना बोल रहे हो, तो ये जगह मत खोलो, यहां पर बुरी आत्मा का साया है। ए पागल, क्या बकवास किया जा रहा है बे, निकल यहां से। ये जगह 20 साल से बंद थी लेकिन मेरी किसी ने नहीं सुनी, किसी ने नहीं सुनी। अबे मुझे लगता है इसको किसी ने चाय नाश्ता नहीं दिया भाई, ये ले पकड़ ले। अबे क्या था बे, अबे साले कौन है तू, क्या है ये सब? तुम इजरी शीडी बगितली असल, तुम सब के सब मर जाओगे, और आज के बाद अगर तुम में से कोई संभोग किया तरती येणार आणि तुम्हाला मारणार। आज के बाद हम लोगों में से किसी ने भी सेक्स किया तो वो हमको आगे मार देगी। भाई अब तू किसी के साथ भी सेक्स करेगा ना वो तुझे मार देगी, बेवकूफ है भाई तू। भाई हंसो मत यार, क्या पता ये सच बोल रहा हूं। सगड़े मरनार, किसी को नहीं छोड़ेगी वो, सबके सब तुम लोग मर जाओगे। अरे हाँ भाई हाँ, आपने 1857 के बाद कभी सेक्स नहीं किया तो हमारी क्या ले रहे हो, हमें तो एंजॉय करने दो यार। ए, fuck that shit, फेरों का टाइम हो गया यार, भूत का पता नहीं सिमरन ले लेगी मेरे। अबे हाँ बे, पर सेक्स मत करना वरना चौकीदार आ जाएगा। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है सुखी, चल कहाँ हो बे ठरकियो, अबे सालो फेरों के टाइम से गायब हो। भाई उसे कहा था, वो आ गई, वो मुझे भी कह रही है। कौन आ गई पर भी? वो हमें उसे नहीं देखी चेती, वो हम सबको मार देगी। पर मैं क्यों नहीं बात करा, तू इधर से क्यों? मैं कंधा लड़का हूँ। बोल लो तो ये जगह मत खोलो, अब जो होगा उसको कोई नहीं रोक सकता। कहानी तो अभी शुरू हुई है, कहानी तो अभी शुरू हुई है।
वहाँ पे एक भूत है, मॉम देखो। यार तुम्हारे ये प्रैंक्स ना बहुत पुराने हो गए। मॉम सच में मैंने दो लड़कियों को देखा था, दे वर क्लैपिंग। आई स्वेर हमने शाइनिंग ना साथ में देखी थी डम्बो। चल अभी जल्दी वो प्रिंसिपल कपूर हमारा इंतजार कर रहे होंगे। I'm so sleepy यार। I think this is it. Yeah, looks like it. Finally. I'm exhausted, yeah. Room 30. Creepy. Creepy. कुछ नहीं होता ऐसे। चल। Thanks, huh, for helping your booty la charma. You're still hot, mother. दास मांगीलाल शक्तिपुर वाले कॉलेज एके एमएमएस कॉलेज। अब रागिनी आई है तो एमएमएस तो बनता है ना। वेलकम रागिनी एमएमएस। हेलो हाय डूड यू आर नॉट रागिनी एमएमएस यू आर रागिनी केकास गिव मी बिया नो थैंक्स मेक आउट व्हाट नहीं नहीं आई थॉट आई शुड आस्क वैसे भी तुमने बॉयज से टच कर ही लिया और हम क्लोज भी हो गए सेकंड बेस विदाउट फर्स्ट जेन डोंट शट अप ओके नेक्स्ट टाइम मी एंड यू बेब्स आई एम कमिंग Sorry about that. Is he a creep all the time? Yeah, sorry about sleazy Shakti also. No, I meant the whole scare thing. Like your Ragini coming to MMS college, Ragini MS. We thought it'd be fun, you know? It kind of was actually. अच्छा तुमने ये मुक्का मारना कहाँ से सीखा? Same thing.
all girls college. You know what? Girls aren't as sweet as you think they are. But you are. I mean, they are, you're not. You know what I mean, right? Hi. Welcome, Ragini. Hi. Sorry about the quality of boys here. But I think you'll manage. Well, have you got introed to the MMS gang yet? Not yet. Well, this is Rahul, resident sweetheart. He's not sleazy because we have already harassed him. And his surname is Boo. What? Rahul Boo. Yeah, and we are all hoping that he finds a nice girl, something called Brar. ताकि वो इसे लाइफ में सपोर्ट कर सके। यार तुम दो लड़कियां मिली नहीं मजाक आने लगी। So, chicks before dicks, ladies before shady. Anyway, I'll see you around. Come, I'll give you a quick tour. By the way, I'm Zoya. Looks like you already lost him. No, he's cute. Yeah. That hot chick wearing Rumal is Rumalia. I mean, Alia. Asli naam Nargis Magnani. She wants to become a reality TV star. Just like the ones in Slut Villa. Yeh hai Sonia. Padhne ki zarurat hi nahi hai. Papa ke paas paise jo itne hai. Oh shit! I look so fat! You know what I mean? Jess! Where the hell are you? Coming, coming! Fat Jessica is a thinner. Thinner? Well, jab bhi wo Sonia ke saath pose karti hai, she makes Sonia look thinner. For Instagram selfies. Fat? More fat? Fatter! Ew, not on me! What is he doing? The fuck? This dude is yummy. Future barjatiya bahu. Pata hai, 16 somvar rakhti hai. And isko rulana hai na? Just go to her and say, sex. Oh. Dude, is jaisi ladkiyon ke wajah se, we still get to hear things like, अच्छी लड़की तो ऐसी होती है। दोबारा दिखी ना तो उसका दुपट्टा जला दूंगी। That's Tommy, डोला दिमाग। Sports में number one, दिमाग में number two। Number two यानी 40। इसके पास हर चीज का एक ही सलूशन होता है। Protein shake। Really bad boy situation यार। Hey, who's that? He's kind of cute. No. ये तो पापा अमित है, loans of finances का बाप. This year he is planning to buy his parents a new car. What? Yeah, 5 साल का था, तब से save कर रहा है. God, is anyone normal around here? Yeah, I am. And Aarti and Payal as well. They're the geeks, the girl with the dragon tattoo kind of hackers. वैसे, तू ये सब कैसे जानती है? I thought college तो ये wing कुछ 20 साल पुरानी है. Actually हमें यहाँ पे shift कर दिया गया है ताकि लोगों को लगे कि this wing is filling up rapidly और admission के लिए line लग जाए. What? Exactly. But college तो बंद हो गया था, right? And are those ghost stories for real? Who knows? हमें तो free में 10 दिन पहले इधर आने के लिए बोला गया था, तो हम आ गए. बाकी के लोगों को तुम 10 दिन बाद मिल लेना. Actual भूत तो हमारे lecturers हैं. I'm telling you, two of them would be at least above 100 years. This is gonna be so much fun, I'm sure. वैसे I wanted to ask you, in that whole scare planning, who was that old woman? Old woman? Yeah. Last May, I don't know, she was quite creepy, dude. The limp in the walk, ghoongat and all, I couldn't see her face. Was it Yami or Sonia? You mean you saw her? Channa, please. No, I'm not joking. I mean, Aarti and Payal were the twins. Rahul was closing the door. Everyone else was inside waiting. So, tujhe ye boodi aurat kahan dikhi? Channa, please. Enough. What happened? Dude, this old woman, this is not good. Yeah.
My mom's calling. I gotta go. The party has just started. Yeah, but I have to go. Okay, just put her to sleep and come back soon. I'll try. Yeah. Bye. सुन अमित, देयर इज अ प्रॉब्लम. प्रॉब्लम तो है ना यार, कोई लड़की मेरे से बात ही नहीं करती है, देख. अरे वो नहीं, रागिनी ने ओल्ड वुमन को देखा. कौन सी ओल्ड वुमन? वही जिसके बारे में रूमर्स है कि वो इस कॉलेज को हॉन्ट करती रहती है. पर हमारे प्लान में कोई ओल्ड वुमन नहीं थी ना. अरे रागिनी ने वो इंटरनेट पे देखा होगा, कोई भूत वूत नहीं अपने कॉलेज में, समझी. तो फिर ये विंग 20 साल से बंद क्यों थी? अपने कॉलेज वाले फीस पता कितनी लेते हैं? टैक्सेस बचाने के लिए बंद किया होगा, लॉसेस दिखाने के लिए ब्लैक टू व्हाइट, सिंपल से. नहीं, काफी सीरियस थी, कुछ तो गड़बड़ है. Fine. I have no idea, yeah. I don't know. Anyway, तू इतनी रात गए कहाँ गई थी? Car lock करने. Mom, you should sleep. It's really late. One minute. BRP है या joint? Mom, सुबह से brush नहीं किया, इसलिए smell आ रही होगी. Please, Ragini. I know the smell, okay? क्यों? आप human breath analyzer हो, और अगर हो तो बताओ कौन सी smell है? छी रागिनी, don't be dirty, go brush. मॉम रात के 2 बज रहे, कौन brush करता है? जब तक तुम brush नहीं करोगी, कोई नहीं सोएगा, go brush. मॉम रागिनी, go जाओ brush करो, जा. वही तो करने आ रही थी यू एस. व्हाट्स रॉन्ग विथ यू सिमरन? Who else? नहीं, मुझे लगा वो... Raj, what's wrong with you? 2 हफ्ते से you keep saying you're stressed, you're not in the mood. I understand. Office में बहुत काम है, but you come home so late in the night और सो जाते हो. वो तुम्हें disturb नहीं करना चाहता ना तो. Please do. Please disturb me. God knows how much I crave for you. We need to do it, Raj. Please, we need to do it. नहीं तो Simran, even I want to do it. लेकिन लेकिन
You don't think I'm hot anymore? Now that we're married and I'm your wife? No, no. Not at all. Too hot, Sibrin. Then what's stopping you? Sibrin. मेरे सर में दर्द है सिमरन। राज। No सिमरन। राज। No। What's wrong with you, Raj? You can't keep locking yourself in the guest room all the time. We're a couple and we have to talk about it. Raj! आज मेरा व्रत है तो मंगलवार ही होगा। मंगलवार का तो नहीं पता लेकिन मंगल ग्रह से जरूर आएगी ये लड़की। So what happens on Tuesday guys? वही जो हो रहा है। Actually today is teasing Tuesday. Waxing Wednesday से पहले? What is teasing Tuesday? They put up a show for the boys. ओए सबके लिए नहीं सिर्फ राहुल के लिए। Actually क्या है ना वो हर Tuesday को फुटबॉल प्रैक्टिस के बाद यहीं से जाता है और ये उसे टीज करती रहती है। बट आज तक कोई फायदा नहीं हुआ। और तू तो चुप कर। देखने कितने प्यार से खुद को ट्राई कर रही है और मुझको वेट। पक्की शक्ति? Definitely. You continue ना। साहब जो आ रहे हैं। Whatever. Isn't girls locker room supposed to be private? Yeah, but ये अपनी privates को भी private नहीं रखना चाहती ना। Oh shut up. Like if you guys are barjatiya bahu. Please, ये latest design है। Sure. Yeah, by latest design you mean 1939? नहीं ग्रह शोभा में इस week का latest design winner as well. और मैडम ने ये अपने हाथों से सिलवाया क्यों? इसको कहीं छुपा दो प्लीज ये हमारी वैल्यू कम कर रही है। Guys, he's coming! अरे वो आ गया! Guys, come on! He's here! गर्ल्स कॉल मी। चलो भाई चलो बहुत आगे से गिली चादर मत गिली करना तू तो पहले से गीला पड़ा राहुल राहुल मुझे क्यों अवॉइड कर रहे हैं वी बीन थ्रू दिस आई एम नॉट इंटरेस्टेड अच्छा साल भर पहले तो यू वर वेरी इंटरेस्टेड आलिया एक साल पहले I was 7 drinks down. You and I met summer break tha yaar. I was lonely that time. It was a casual hookup aale. Ek aur de bhai. Bas, enough talk. Tum already bahut pi chuke ho. Listen yaar, now you don't start. So mera mood bahut kharab hai. I just had a fight with my dad. To usme kaun si nayi baat hai? Tum dono to hamesha ladte rehte. Aaj main tumhara mood theek I don't think it's a good idea. I think तू कुछ ज़्यादा ही सोच रहा है। हमेशा good boy बन रहा था। आज लेट।
श्योर? आई एम. आज कोई अटैच नहीं. I was drunk, Alia. And like you said, we were just having fun. ठीक है. Let's have some more. I thought we'd gone through this. Yeah. It was a one night thing, right? With no strings attached. Do you string it attached? One more time. Alia, just stay away, yeah. Enough. I'm not interested. Get that in your head. Seriously, saw the way she was posing. God, too much drama for one night. I'm gonna leave. Stay back, no? Nahin yaar, I drove all the way here, too tired. I'll see you in the morning. Okay. Bye. Bye. Guys, enough of this, yeah. Wait. जब YouTube पे पिटाई चढ़ेगी ना तब पता चलेगा. Guys, it's enough, yeah. कॉलेज के फर्स्ट डे पे ग्रैंड मस्ती टेव 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 हैं व्हाट द फक इज रॉन्ग विद यू मैन कितनी डरी हुई हो पागल हो गया क्या रागिनी
He was right there, dude. Right there. He hung himself. Who? I think he was committing suicide. I don't know. Some guy. क्या? पलंग तोड़ देख के तो बिल्डिंग तोड़. If you don't shut up. You kiss me. लग रही है वो. लग रही है ना? What the hell is going on? Mom, go. वो actually लोग डॉक्टर डॉक्टर खेल रहे हैं. गोलू. Mom. गोलू. गोलू जी, sorry जी. Come with me to the room right now. I swear I saw someone. Right now. Mom. You know what? I have proof. Where's my phone? Wait, one minute. Now you'll believe me. You'll see. देखो, मैंने वीडियो लिया था जब मैं सी. What? What the? I swear. Ragini. I swear वो यहाँ था. He was right there. Come with me. Mom, please believe me. Mom, no, please. भाई तू राखी बनवा ले इससे. What? अबे देखा नहीं, हाथ तो छोड़ ही नहीं रही थी मेरा. तेरा कोई चांस नहीं है. Shut up, man. Please, just promise me. आज से no smoking up, no partying late at night. Please, Golu. हम एक और बार कॉलेज नहीं चेंज कर सकते. But mom, why don't you believe me? I swear, मैंने भूत को देखा था. और इस कॉलेज में तो history है, you know that. Yeah, right. वहाँ पे भूत तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि कब रागिनी आएगी और हम साथ में पार्टी करेंगे, right? तुम्हें हो क्या गया है? जब से यहाँ आई हो भूत भूत कर रही हो. Mom, and it's not funny. मैंने भी कॉलेज में ना बहुत पार्टी करी है. I've done some wild things. But tumhara generation is only messed up, right? Hello? Oh my God. It's me. Principal Rajat Kapoor at your service. Kya hai kabhi? You are Principal Rajat Kapoor? Yes, I am. Good morning, sir. Good morning. Good morning. How are we today? How do you like your room? Settled in? Comfortable? Yes, sir. Very good. But ek minute, Rajat Kapoor kaise? Weren't you Raj? Shh. वो मेरा नाम था. इसीलिए शादी के बाद मैंने अपनी wife का surname ले लिया. So now I'm only Rajat Kapoor. हाँ. और ये? This is Ragini, your new student. And your daughter? Wow. Welcome to the college, young lady. हालांकि जो मैंने सुना है तुमने अपने आप को खुद काफी वेलकम करवा ही लिया. You are still the same, Raju. Of course I am. Yeah, but please don't call me Raju. I'm principal, यार. वैसे what are you doing here at 4:30 in the morning? वैसे तो मैं सुबह मिलने आने वाला था, but फिर मुझे पता चला कि तुम लोगों ने आते ही पार्टी करना शुरू कर दिया ना, स्टोर रूम. वो सॉरी यार, पर माई डॉटर शी स्लीप वॉक. What? No, I don't. Ragini, sir, यहाँ पे कोई suicide हुआ था क्या store room में? Of course. तुम्हें कैसे पता चला? See, I told you. क्योंकि मैंने वहाँ पे किसी को फांसी लगाते हुए देखा. Ragini, don't be silly. It's a store room. चूहे मरे वहाँ, उनके भूत होंगे और कुछ नहीं. But sir, I really. Ragini, stop it. Mom. It's okay. बच्चों को भूतों वाली कहानियाँ अच्छी लगती हैं. हमें भी अच्छी लगती थी. चलो, back to your dorm. तुम यहाँ भी क्या कर रही हो? Yeah, अभी? इतने लेट वो इतनी लेट स्टोर रूम में जा सकती है तू? इनको भूत से डर लगता है. आज यू टुमारो द टीचर ओरिएंटेशन. एब्सोल्युटली. गुड नाइट. गुड नाइट. गुड नाइट राजू.
जोया। हाय। हे रुमालिया। आई मीन आलिया। की सतावनी। सतावनी? यू टेल मी यू बिच। कल रात राहुल के साथ क्या कर रही थी? राहुल? वो कल रात को शक्ति ने ये पिक्चर्स ग्रुप में भेजा। But this is nothing. I just fell on him. Oh really? Fell on him or felt him? I thought only boys accidentally fall on girls. You know what I mean? But nobody falls on me, yeah. Shut up, Jess. They'll only fall on me, not you. What nonsense is this, guys? I actually got trapped in the storeroom. And then when I opened the door, I fell on him. What? You guys don't believe me. I saw something last night. You mean you saw Rahul's thing last night? Just shut up, everyone. Ye dorm hai ya Rahul ka harem? I saw tum dono ek dusre ko kaise dekh rahe the. Girls, can we come in? पूछते नहीं है आते when you're going to come. चल ले. Hey babes. She's right, Zoya. She was in the storeroom. And the door was bolted from outside. Yeah, and a guy, he hung himself. I saw him with my own eyes. तुम लोगों ने फिर से कोई prank खेला क्या? सबके सब dorm में थे यार. They were too drunk. I came out because I heard her scream. Ragini, what did you see in the storeroom? I don't know. Did someone commit suicide in the storeroom? I mean, maybe इसीलिए wing इतने सालों से बंद है. Principal Kapoor says no, but I feel there's something. Then there is only one way to find out. You're right. Come, let's go. अगर हम पुराने ईयरबुक्स देखें तो शायद तुम आइडेंटिफाई कर लो कि वो आदमी कौन था जिसको तुमने स्टोर रूम में देखा था. So now you believe me? I don't, but he does. I'm just curious कि यहाँ पे हुआ क्या था एंड तुम्हें ये सब क्यों दिख रहा है. क्या हुआ, वो मिल गया? No, my mom. And look at Principal Kapoor. कितना कमीना लग रहा है. उस आदमी को ढूंढ रहे हो ना? Time pass क्यों कर रहे हो? तो इतना बिची क्यों हो रहा है? हाँ? Hey, काहे करता तुम इकड़े? साला, निकल करना. यहाँ पर कोई मौत हुई थी क्या? बकवास मत करो. कौन बोला तुमको? साला जावा, निकल ढूंढ. नहीं तो मैं अभी प्रिंसिपल साहब को जाकर बोलेगा. हाँ Welcome. Welcome to MMS College. Such bright and energetic faces. I'm so glad you all are here. First, I'd like to introduce you to a member of our staff, our newest joinee, Ms. Kavita. She's going to be our new biology teacher. Hi. अभी ये college full capacity पे नहीं चल रहा है, पर बहुत जल्दी ये students और staff से भरने वाला है. आपको बता दूं कि classes सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, old wing में भी होने वाली हैं, जो कि काफी सालों से बंद पड़ा है. रूमर्स ने हमारे कॉलेज को काफी नुकसान पहुंचा है, बट थिंग्स आर चेंजिंग. एनीवे, इस ओरिएंटेशन के बाद मैं टीचर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि वो इसी विंग में रहें. ये विंग काफी बड़ा है, काफी स्पेशियस है, सबके लिए जगह है यहाँ पर. एंड गर्ल्स एंड बॉयज, आई कैन हियर अ लॉट ऑफ खुशपुस. तो आपको बताना चाहूंगा कि कॉलेज से थोड़ी दूर पर बोनीज कैफे है, जो कि
MMS कॉलेज और सेंट एंड्रयूज कॉलेज का काफी फेवरेट हैंगआउट प्लेस है। कॉलेज शुरू होने में थोड़ा टाइम है तो प्लीज जाइए, मौज मस्ती कीजिए, बट इन कंट्रोल। बाय। बोनीवी बोनस कैफे। डिस्गस्टिंग। तो मिलते हैं बहुत जल्द। श्योर। मैं बोलती हूँ। कविता, कुछ भी हो जाए यहाँ स्टे मत करना। व्हाट? व्हाई? आपको पता नहीं, यहाँ पर स्टे करना बहुत रिस्की है, ये जगह अच्छी नहीं है। इस जगह को मुझसे बेहतर और कोई नहीं जानता। मैं यहाँ स्टूडेंट रह चुकी हूँ बहुत साल पहले, पर तब तो आप ना ना मिस ब्रिगेंजा, गॉसिप करना बुरी बात है। नहीं सर, हम तो बस मैम को डरा रहे थे। लगता है यहाँ पर टीचर्स की भी रैगिंग होती है। No ragging, it's just rubbish and rumors. Come. See you soon. I'm so excited to be back. Jesus, हम तो इसके लिए प्रे करेगा। कोई फायदा नहीं होगा। Let's go. तुम मेरे साथ, what more do I want? इतनी गंदी लाइन। ऐसे लड़कों की वजह से ना हम जैसे लड़कों की रेपो खराब होती है। By reputation you mean sleazy creep? Oh, hello. Seventh standard से ना मैंने ऐसी कोई लड़का creep नहीं बनता। Are you seriously checking him out? Not checking him out. Checking him in. What do you think? Abs 6 or 8? I so wish I had an X-ray vision. Actually, you don't need one. I'll just take it off if you want. Hey dude, move on. She's with me. Excuse me? I'm with myself. Fine. Karo tum dono hangout. Kamra. मैं तुम्हें आकर सबसे हाथ में शिफ्ट बुलाती हूँ। अरे लड़की हमारी पटाके कोई और ले रहा है। तेरा वैसे भी कोई चांस नहीं था। और रहने दे। स्ट्रॉबेरीज एंड क्रीम। यहाँ का सबसे अच्छा मिल्कशेक। Is it? I hope you won't worry about your figure. Me? I love eating. इसलिए दो लाना है। You know, I'm actually sad that you didn't join St. Andrews. Mare college mein hotties ki kaafi zor hai. I'm sure. But I didn't have a choice, right? Meri mom MMS college mein lecturer hai, so I had to join. Are to hame teachers ki bhi kaafi zarurat hai. Very funny. Chalo jo bhi hai, I hope you didn't shift into the new wing. Kyun? I mean, acha khasa to hai. That's what you think. वो जगह पिछले 20 साल से बंद है। So, dude, the building is haunted. कॉलेज बंद भी इसलिए हुआ था। अब खुला है क्योंकि प्रिंसी को पैसे कमाने हैं। Woohoo! Too many shakes happening. लगता है लंच और डिनर तो नहीं यही होने वाला है। भाई साहब, वो गाड़ी आपकी है जो टो हो रही है। भाई वाली, fuck, प्रिंस हर्ष, कम, भाग भाई, गाड़ी टो हो जाएगी, चल चल। खुद्दू साला, नो पार्किंग गाड़ी पार्क करेगा तो होगी ना। चलो तू पार्किंग कर ले, ढंग से करियो। वो कह रहा था कि हमारा कॉलेज हॉन्टेड है। बकवास है यार, सेंट एंड्रयूज में तो ब्रिटिशर्स के जमाने के भूत घूम रहे हैं और ये हमारे कॉलेज को बदनाम कर रहा है। पर वो ऐसा क्यों करेगा? राइवलरी डूड, सालों से चल रही है, सेंट एंड्रयूज वर्सेस एमएमएस कॉलेज। फुटबॉल स्टड से लेके नर्ड से लेके डिबेट टीम, everyone's competing with each other. Hey
आलिया छोड़ना, इतना अपसेट क्यों हो रही है? इसे बेटर लड़का मिल जाएगा। नहीं यार, आई रियली लाइक हिम, ही इज जस्ट फक ऑल। देख नई लड़की मिलते ही कैसे पीछे पीछे भाग रहा है। मुझे ऐसे क्यों नहीं देखता है? ये ना तेरी ड्रिंक बोल रही है। Haven't you had enough? You are right. मैं क्यों पी रही हूँ? उससे क्लियरली जाके बात कर लेती हूँ। आलिया नो, जस्ट वेट आलिया। Hey. Having a good time, Rahul. You're so drunk. And you're a dick. तुम तो कैसे, तुम्हें कोई रिलेशनशिप नहीं थी और उसके पीछे पप्पी की तरह घूम रहे हो। After all that, जो हमारे बीच हो चुका है। Wait a minute. हो चुका है, आगे कुछ नहीं होने वाला। और मैंने तुम्हें पहले भी कहा है ना, कुछ नहीं होगा, सब करना बंद करो। और क्या? Anyway, Rahul is not here. और ये matches में तो देख सकता top पे। हाँ पर तू तो बहुत hard है। Hey you fuck off हाँ? Fuck you guys. क्या? Fuck me? Yeah coming. सुन अलिया, अलिया सुन ना। देख मैं समझ सकता हूँ। पर Rahul अब तेरा नहीं रहा। पर तू टेंशन मत ले, मैं हमेशा खड़ा हूं तेरे लिए। आ गले लग जा। Did you hear something? No. Why? I thought मैंने किसी को चिल्लाते हुए सुना। It was my heart. What bullshit? नहीं सच्ची में, मेरा दिल चिल्ला रहा है कि that it wants to. Wants to what? Fuck! Alia! Alia! No! Alia, listen! Listen! No! No! Don't! Alia, please! Alia! Alia, please don't! No! Guys!
परमीत, सुखी, Sukhi, what's wrong with you? Why aren't you answering? So you are saying उसे किसी ने धक्का दिया? Yeah. पर हमारे यहाँ तो कोई old assistant या कोई old teacher है ही नहीं यार. No. But वो बोल रही है कि उसको किसी भूत ने मारा है. See this? Exactly. Really? तुम्हें ये लगता है? इसकी बात मानो तो इसको तो day one से भूत दिख रहा है. यही हुआ था. मैं झूठ क्यों बोलूँगी? I saw it with my own fucking eyes. जैसे तुमने स्टोर रूम वाला भूत को देखा और रिकॉर्ड किया था रागिनी सोनिया आई मीन प्रिंसिपल कपूर इज कॉलिंग यू आई सी यू इन अ बिट आर यू ओके या आई गेस तुमने कुछ कर नहीं पाया यार बचा नहीं पाया इट्स ओके तुम्हारी गलती नहीं है You can talk to me. You know what I mean? सर वो आपने बुलाया था नॉट रियली पर अगर तुम आ गई हो तो तुमसे पूछना था आर यू ओके इन सब से काफी शॉक लगा होगा तुम्हें नो सर आई एम फाइन ओके तो फिर ये क्या बकवास लगा के रखी है रागिनी व्हाट इज ऑल दिस भूत वाला नॉनसेंस मेरे कॉलेज में ये सब नहीं चलेगा सर मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ मैंने उस ओल्ड वुमन को देखा व्हाट ओल्ड वुमन सर कल वो आलिया के पीछे भी थी और उससे पहले भी उस ओल्ड वुमन को प्लीज इस कॉलेज में कोई ओल्ड वुमन नहीं है ना कभी थी और ना अभी है सर मैं झूठ क्यों बोलूंगी यूजुअली बच्चे अटेंशन के लिए ये सब करते हैं सर मुझे किसी की अटेंशन की जरूरत नहीं है तो फिर ये भूतों वाली बकवास करके लोगों को डराना बंद करो प्लीज सर प्लीज बिलीव मी आई एम टेलिंग यू आलिया कूदी नहीं थी उसको आई एम टेलिंग यू स्टॉप दिस नॉनसेंस
राइट नाउ, नहीं तो मुझे तुम्हारी मॉम को बुलाना पड़ेगा। आई एम ऑलरेडी हियर। गुड, समझाओ उसको। ये तो ब्राइट गर्ल पता नहीं ये सब क्यों कर रही। सर, आई नो व्हाट आई सॉ एंड आई एम गोना फाइंड आउट। मेबी दिस विल हेल्प। अब ये पूरी औरत वाला नॉनसेंस बंद करेंगी आप? ऐसा हो ही नहीं सकता। I'm telling you, it's not true. And I am not listening this time. थक गई हूँ मैं तुम्हारी ये make-believe बातों से रागिनी। हो क्या गया तुम्हें पिछले 2-3 सालों से? Well, I'm growing up. That's what's happening. Well, so am I. Okay? दूसरी मम्मियों की तरह नहीं हूँ मैं। I tried to be okay with your drinking and your boyfriends and your party. नहीं okay तो अब क्यों सुना रही हो? Because I'm trying hard, damn it. कोशिश कर रही थी मैं to be your friend. पर तुम हो जो फाइट आउट करती हो। Asking you to be my friend, please don't. Mom friends एक दूसरे की बातों को believe करते हैं, they trust each other. But you are clearly not my friend. I really hope you don't mean that, Ragini. Mom, मैं हमेशा आपकी friend थी, आप नहीं। आप मेरी friend कभी नहीं थी। Ragini, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मेरी नहीं। See, this is the problem. यही तो problem है। जब कुछ समझ में ना आए, गोलू इज एन अडल्ट। गोलू बताओ मुझे life में क्या करना चाहिए? And now suddenly, गोलू इज अ बच्चा, बच्ची हूँ मैं। कभी कभी तो मुझे लगता है शायद मेरे पास भी मेरी एक माँ होती जो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती। नॉट द अदर वे अराउंड। क्या कर रहा है? कंडम ढूंढ रहा यार, गिर गया था, trying to find it. You know you can't use it again, right? अरे I want to hide it, not use it. पुलिस के हाथ लग गया तो उसमें DNA है ना मेरा और अल्लाह में भी. You asshole, आज तो अपनी स्लीजीगिरी मत कर. Last night me and अल्लाह भी. What? You know. Yuck, seriously? तो तुझे क्यों लग रहा है मेरी ऐसी फटी पड़ी है? देख, पुलिस का शक सबसे पहले क्लोज लोगों पे होता है और लवर्स की तो सबसे पहले, इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए छुपा। डोंट वरी, तुझ पे शक नहीं होगा। She committed suicide. पागल है क्या? She was scared. मेरे पास से डर के भागी थी वो भी आधी इनिंग्स में। मैं तो नॉन स्ट्राइक एंड पे खड़ा था लिटरली। Are you sure? ऐसे मामले में कोई भी बंदा झूठ नहीं बोलता, मेरी ब्लू वॉच की कसम। Who did she see? The old woman? पता नहीं यार, वो बस चिल्लाई somebody is watching and I didn't listen to her. शिट यार, मैं उसे बचा सकता था शायद। इट्स ओके। स्लट। राहुल, 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 लिसन टू मी। यू रियली डोंट नीड टू। नो, आई वांट टू। जो तुमने देखा? मैंने जो देखा, I don't care. वो पूरी बात नहीं थी। She also saw someone. Even Shakti heard her say it. She saw मतलब? मतलब Alia, she was with Shakti. She saw someone जिसे वो डर के भागी. And then, you, now do you believe me? You talking about Alia? Yeah. Who else? चुप. Just forget it. No what? I have to justify why I was hugging Shakti, dude. What are you, my boyfriend? Like I said, you don't have to do anything. No, you know what? I love hugging boys. Anyone is good. I'm a proper slut. A bull. Just please leave, yaar. क्यों? तुम्हारे बाप का कॉलेज है? हाँ है. Now fuck off. You fuck off. तूने ये प्रिंसिपल के ऑफिस में देखा था ना? Then why didn't you tell us? What? This is not true. Shut up, slut! ये आलिया का सुसाइड नोट है। Why would she lie?
और आलिया तो बॉयज के डॉर्म में भी आई थी ना। हाँ यार, वो तो राहुल के बेड पे भी कूद पड़ी थी, लेकिन वहाँ पे टॉमी सो रहा था। अरे क्योंकि मेरे को मालूम था वो राहुल को लाइक करती है। Guys, I don't know what all this is. Stop pretending, Ragini. It's not been clearly लिखा है that Alia has committed suicide because she saw you and Rahul making out. She loved Rahul. और ये बात उसने तुझे बताई भी थी। Well, she didn't say anything to me. Oh, हम सब झूठ बोल रहे हैं, but इस भूत देखने वाली लड़की की बात मान ले। Fuck it. I don't have to justify my life to you guys. No, you have to because this time it's someone's death involved. Fine. I have no fucking idea who have their vaginas in a twist for Rahul. For all I know, ये Tommy और Amit को भी राहुल से प्यार होगा। But guess what? I don't give a fuck. And ladies, I have nothing for Rahul. So you guys can go fuck him, get your rocks off, and leave me the fuck alone. You stay the fuck away. Bitch. I went to Suki and Parmeet's house. Why? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? हाँ हो गया। शादी in a haunted place? मेरा वो प्लान नहीं था सिमरन। What happened that night, Raj? Suki and Parmeet, are they dead? Dead? How do you know? Because I saw that ghost, you asshole! Fuck! Parmeet bhi? I have to go. What? I have to go! Raj, what's happening? Raj, what are you doing? Have you gone crazy, Raj? Raj, where are you going? Go back inside! Go back! Raj, just stop! Raj, listen. Can I mama speak? Raja, तुमने मुझे डरा दिया यार. Sorry यार. How's Ragini? Difficult, as always. तुम्हारी बेटी है. Strong personalities हैं. Clash तो हो गई. अभी मेरी personality मम्मी वाली हो गई है. Seriously, हमेशा चिंता रहती है. अभी ये नया भूत का चक्कर. I don't know. Should I take her to a psychiatrist? पागल हो गई कभी? नया कॉलेज है, नए फ्रेंड्स बनाने हैं. थोड़ा एडजस्टमेंट इशू तो होगा ही ना. Don't worry. She'll be fine. Yeah. She will be. I'll make sure that she is. उसकी कॉलेज लाइफ मेरी कॉलेज लाइफ की तरह. I hope उसे कभी पता ना चले कि इस कॉलेज में क्या क्या हुआ था सालों पहले. कितनी स्ट्रेंज लड़की है. आलिया का सुसाइड नोट, इतनी बड़ी बात उसने हमसे छुपाई. लेकिन वो बताती कैसे? अवेंजमेंट ऑफ सुसाइड का केस हो जाता तो? I think we should do that. We should get her arrested. जब से आई है, things are not the same. फिर तो ये भी अंदर जाएगा. ये रागिनी के पीछे, आलिया छत से नीचे. राहुल राहुल शांति. पागल है, कुछ भी बोलता है. फक योर जोक्स. मेरी भी तो आप गर्लफ्रेंड थी ना. मेरी फीलिंग्स नहीं है, मुझे भी डीएलसी चाहिए. अब ये फीलिंग्स पूरा सिर्फ कुटिया. राहुल चल यार. पहले वो कहती है आलिया को भूत ने मारा, फिर शक्ति के साथ. आई मीन आई डोंट केयर वो किसके साथ है, पर इसके साथ. इट्स ओके राहुल, मैं हूं ना. What a slut. Thank you.
I don't know how it is related to everything, but ये वही CD है जो पहले मुझे अपने बैग में मिली और अब आलिया के How the fuck did you get this? कितने relate करेगी? All of us have your bags. Bitch? Yeah, even Rahul. Who did this? Who did this? Nahi. Whore did this. You just say anything. Are you in relationship with this guy? No. She's just wham bam. Thank you, man. Are you two timing with Rahul? No. Rahul must be another fling. इस टाइप की लड़की के लिए किस टाइप की लड़की Who the fuck are you guys to judge me? Someone has died here. Something very wrong is going on and all you horny idiots can think about who is Ravni sleeping with. You know what? Fuck you guys. You all deserve to fucking die. Fuck yourself. Oh, shit. What she is. Ravni, Ravni, Ravni. What? ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड की एक्स व्हाट आर यू फकिंग किडिंग मी राइट नाउ आलिया मर चुकी है नोबडी केयर्स अबाउट दैट मुझे पता भी नहीं कि उस सीडी में क्या है और तुम आई डोंट इवन नो आई एम टॉकिंग टू यू तुम सब के सब पागल हो मैं बस क्लियर करना चाहता हूं क्या क्लियर करना चाह रहे थे और क्यों क्लियर करना चाह रहे थे तुम्हें उसी रेप करना है हां यू नो व्हाट फक तुम जो अपना हैरम संभालो मैंने आप पे चिल्लाया बट वो चौकीदार भी मर गया मुझे यहां से ले चलो मुझे यहां से ले चलो मुझे यहां नहीं रहना है और क्या हुआ मॉम ये जगह बहुत बुरी है हमें यहां से दूर जाना होगा आपने किसी को देखा मॉम कॉलेज छोड़ के ये शहर छोड़ के मुझे यहां से ले चलो मॉम डिड यू सी द ओल्ड वुमन मुझे यहां से ले चलो 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 ना विश्वास करो आपको पता है मुझे आसानी से डर नहीं लगता है बट आई स्वेयर इस कॉलेज में कुछ ना कुछ जरूर गलत हो रहा है इनफैक्ट वो चौकीदार भी मर चुका है और कल रात को आई स्वेयर आई सॉ दैट ओल्ड वुमन शी मेड आलिया जंप और फिर वो आलिया का भूत मुझे उस एक्सीडी पे लेके गया मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा यहाँ पर हो क्या रहा है मॉम मॉम यू डोंट बिलीव मी राइट वेट आई विल शो यू द सीडी Everything is related to the CD. See, I don't know what, but there's something. Golu, kahan ho tum? Mom? Yes, mom. Of course, it's mom. Where are you, Golu? Ragini, why aren't you answering me, Ragini? What happened? Tum chilla kyun rahi ho, Golu? Are you okay? Ragini, please talk to me. Hello, Golu? Golu, are you okay? Please talk to me. I can't hear you. Hello? Hello, Golu? Golu, are you okay? I can't hear you. Hello? Kuch nahi, mom. I'm fine. Golu, jahan bhi ho, abhi ke abhi wapas aa jao. Bola na, are you? Okay, bye now, please. Please let me go.
फिलहाल वो शॉक में है, नथिंग एल्स। हॉस्पिटल में वाइटल्स और सारे टेस्ट कर लिए थे, सो नथिंग टू वरी, बट शी नीड्स प्रॉपर रेस्ट। रागिनी के पिक्चर्स अननोन नंबर से हमारे ग्रुप पे शेयर, तेरे सिवा ऐसे फोन हैक कौन कर सकता है? डूड, मुझे राहुल पे कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं रागिनी को स्नैचिंग करूं, समझी? मैंने कुछ नहीं किया है। और अब जा सोनिया के पास, नहीं तो ये राहुल को खाने को मिलने वाली है, आई एम नॉट श्योर। You guys want something? Hey Zoya. Hi. Sorry I heard about Alia. Thanks. वैसे I can't believe it, हम लोग इस वीकेंड मिलने वाले थे। और तुम लोग क्यों मिलने वाले थे? Come on. You didn't know we were a thing. We were fuck buddies. Yeah, right. Come on, she was fun. तुम्हारी तरह hangups नहीं थे उसके। और ये देखो, मुझे after morning text भी भेजती थी वो। ये मैसेजेस उसने तुम्हें भेजे? आई मीन व्हाट डू यू मीन? गाइस गाइस, रागिनी का एक्सीडेंट हो गया। व्हाट? डोंट वरी गाइस, रागिनी इज फाइन, बस उसके पांव में थोड़ी चोट आई है, डॉक्टर ने उसको रेस्ट करने को बोला है। ओके, मैं मिल सकता हूँ उससे? आई मीन हम मिल सकते हैं? नहीं, मेरा मतलब कल मिले ना, अभी वो सो रही है। शी इज फाइन गाइस, प्लीज गो टू योर रूम। अरे जाओ ना, शी इज एब्सोल्युटली फाइन, कल मिल लेना उसे। गुड नाइट गाइस। सो आपके पास आलिया का सुसाइड नोट है? वो तो पुलिस ले गई। क्यों? अब कुछ नहीं, ऐसे ही। थैंक यू। I was just checking out the symbol. Oh, this? Yeah. That's SS. For Sonia Sehgal. My papa made them on all my clothes for me. You know, na these gareeb types hamesha mere kapde churate rehte hain. Okay. You know, Rahul, I'm so depressed. First Alia, and then now Ragini. I'm worried. I'm really scared, Rahul. Sonia. I'm very scared. Like Sonia, listen. Sonia. Sonia, this is not Sonia, sorry. Listen, I can't. Are you mad? You don't like Brazilian?
What? I mean, I can grow them back. You want a landing strip? I have other designs too. Listen, you're mad. I don't like this. What the fuck? When that slut Ragini does it, then you like it, huh? Hey, tameez se baat kar. Theek hai? Meri marzi, main kisi ke saath bhi rahun, kuch bhi enjoy karun. My life, my choice, na? No. I am Sonia Singh, and I decide. Now take up your power. Fuck off. Fuck off, you weirdo. You fuck off. Sonia Singh kisi ke piche pagal nahi hai. ठीक हो मॉम प्लीज लिसन टू मी आई नो यू थिंक आई एम क्रेजी बट यू हैव टू बिलीव मी दैट यू आर विद मी इन द कार आप मेरे साथ थे मैं आपको लेकर जा रही थी क्योंकि आप रो रहे थे यू कॉल्ड ओके ओके ठीक है बेटा हम कल बात करेंगे रागिनी यू हैव टू बिलीव मी मॉम प्लीज और वो चौकीदार राजू भी मर गया मैं पागल हो रही हूं ओके बेबी ठीक है बेटा मैं हूं ना रागिनी खोलू क्या है मॉम आई एम टेलिंग यू एवरीथिंग इज रिलेटेड टू दैट सीडी व्हाट सीडी बेटा जो वापस मेरे पास अपने आप आ जाती है आई हैव गोस्ट टुक मी टू इट ओके रागिनी जस्ट कम रागिनी काम डाउन रागिनी प्लीज अभी के लिए तुम सो जाओ ओके कल बात करेंगे हम सो जाओ कम ऑन परेशान हो गया मैं साथ में से कितनी बार ही बोला इसको कि ड्यूटी पर सोते नहीं राजू मॉर्निंग सर अभी कितनी बार ही बोला है कि ड्यूटी पर सोना अलाउड नहीं है तो क्या पान खाता रहता है ठीक कैसे बह रही जैसे खून कम अब इसे ऐसे सोया तो नौकरी से निकाल दूंगा समझे Raj, pick up the phone. Hey, are you feeling okay? Fuck you, asshole! Hey, मैं बस चेक करने आया था, ठीक है? क्या चेक करने आए थे? कि मेरे बेड के नीचे कौन छुपा है? मेरे पिलो के नीचे कौन छुपा है? Hey, what the fuck is wrong with you? Why are you reacting like this? What the fuck is wrong with you? You fucking NCP, तुम तो बेड जांच नहीं होना, मेरा भी एक ex था। I don't give a shit about you, hey! Fuck you, give shit about? Nidhi Shakti, really? I'm fucking mad, Nidhi Shakti! You know what? It's none of your fucking business! You know what? You're just not good enough for me. Oh, I am not good enough. You don't fucking deserve me. You're not I good don't enough. मतलब उसने अपनी माँ को यानी कि the great कविता को डरा दिया. हाँ, please. कुछ डराया वराया कुछ नहीं. लेकिन हाँ, मुझे भी लगा कि सच में भूत है यार. वो सीडी, वो चौकीदार की मौत और रजत उसके उसके गर्दन पे वो निशान. You know that bruise ऐसे लगा किसी ने कस के उसे पकड़ा हो. कार की सीट बेल्ट की वजह से घाव हो गए होंगे. She's had an accident, कवि. Don't worry. Everything is fine. कोई भूत-भूत नहीं है. As you can see, the chowkidar is alive, and so is Ragini's imagination. वो तो कुछ ज़्यादा ही. ना कल सुबह ऐसी क्लास लूँगी ना मैं उसकी. Yes, teacher ji. Rajat, stop it. Oh fuck. I didn't hear you say get the fuck away from me. Fuck you. You already did. What the fuck was it? Revenge sex? Revenge sex? It was more like, let's do it again kind of sex. Ragini, this was more like, you'll regret it now kind of sex. What? Why? I mean, it was kind of fun.
या खुद ही देख लो। रागिनी रागिनी वेट वेट सुनो सुनो मेरी बात को सुनो। अरे सोनिया यार सोनिया शी के वांट टू किस सोनिया लुक लिसन लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू यार सुनो प्लीज जस्ट लीव 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 लाइक आई ओ योर फकिंग एक्सप्लेनेशन फकिंग प्लेयर फक ऑफ जस्ट व्हेन आई थॉट ही वाज अ नाइस गाय एंड जस्ट व्हेन आई थॉट यू वर अ बिच सो व्हाई आर यू हियर चेक दिस आलिया की राइटिंग स्पेलिंग्स ग्रामर जो सुसाइड नोट मिला था दैट्स नॉट हर्स सो नाउ यू बिलीव मी राइट आई डोंट नो बट ऑल आई नो इज दैट यू नो आलिया को पिछले 2 साल से टीचर्स वॉर्न कर रहे हैं टू नॉट राइट एन SMS लैंग्वेज इसकी वजह से वो फेल भी हो चुकी है यू नो समथिंग इज नॉट राइट एग्जैक्टली समथिंग इज नॉट राइट और उस सब का कनेक्शन उस CD से जो मुझे बाथरूम में मिली थी एंड इवन द चौकीदार He's dead. Dead? No. I just saw him. He was walking around. No, I saw him. No. वो उनके पान खा के सोने की आदत है. What? Yeah. Anyways, thank God. I don't know what's happening with me. Chill. We'll figure it out. Fuck. By the way, where's the CD? Huh? कौन सी CD? Sir, I don't know about any CD. But after our marriage. He's just not letting me get close to him. Madam, ये सवाल बहुत जरूरी है. क्या आपके हस्बैंड ने वो CD देखी? I don't know. Raj मुझे कुछ बता नहीं रहा. Madam, I can't help you. You have to help me. Madam, you please leave now. You're the only one who can help me. No, ma'am, I'm very sorry. Please, my husband is in trouble. Please leave from here right now. Please understand. You're the only one who can help me. No, ma'am, nobody can help you. Sir, please leave my house right now. Leave. Sir, don't.
नहीं मैम, इन्फर्मरी का तो डोर लॉक्ड है और लाइट बंद है अंदर से। व्हाट? ये दरवाजा किसने बंद किया? Strange. व्हीलचेयर यहां कैसे? साइंटिफिक डेफिनेशन के मुताबिक पैरानॉर्मल क्या है? पैरानॉर्मल वो है जो आजकल की साइंटिस्ट के समझ के परे है. The body loses 21 grams of weight when we die. क्या है ये वजन? क्या ये हमारी आत्मा का वजन? और ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग मरे हुए इंसान के साए को देख सकते? And if we have absolutely no scientific evidence of this, तो क्या इसका ये मतलब है? That it doesn't exist. Yes? But बिना किसी scientific proof के आप इतनी sure कैसे हो सकती? आपके पास सेलफोन तो होगा ना? या क्या 50 साल पहले किसी ने यह सोचा कि एक ऐसा डिवाइस होगा जिसके थ्रू मीलों दूर बैठे इंसानों का चेहरा देखा जा सकता है, उनसे बातें की जा सकती है? शायद ये इन्वेंशन बनाने वाले भी 100% श्योर नहीं, बट दे बिलीव्ड दैट इट कुड बी डन, एंड आई एम प्रीटी सर्टन कि बहुत ही जल्द द पैरानॉर्मल विल बी नॉर्मल. That's all for today. Thank you. Mansukh? Bharti, Bharti, it is back. वो वापस शुरू हो गया. क्या बोल? काम डाउन. गंदा। जोया, तू डर मत, तुझे कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस।
डोंट नो वो कितनी डरावनी थी। आई नो, सबसे पहले मैंने देखा था उसे, रिमेम्बर? थैंक यू। नहीं, यहाँ पर कोई टैक्सी भी नहीं मिल रही है। अगर रागिनी ने गाड़ी क्रैश ना की होती ना, वी वुड हैव जस्ट लेफ्ट फ्रॉम हियर। मैम प्लीज कॉलेज छोड़ के मत जाइए। आई एम रियली सॉरी फॉर जो कुछ भी हो रहा है। बस बस प्रिंसिपल सर को थोड़ा टाइम दीजिए, वो सब सॉल्व कर देंगे। राहुल यू आर अ रियली स्वीट बॉय, लेकिन मेरी बेटी की सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाट अबाउट अस? जब से रागिनी आई है, स्ट्रेंज थिंग्स आर हैपनिंग इन द कॉलेज। यू आर राइट, माय फिस्ट विल मेक स्ट्रेंज थिंग हैपन टू योर फादर। दैट रागिनी, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? उस सीडी का रूम नंबर 13 और इन्फर्मरी से जरूर कोई ना कोई कनेक्शन है। और वो व्हीलचेयर, वो अपने आप वहां पे कैसे आ सकती है? यू नो गाइस, आई एम ट्राइंग टू पुट टू एंड टू टुगेदर। हमारे टाइम पे भी एक व्हीलचेयर हुआ करती थी और रजत और उसके फ्रेंड्स उसे यूज किया करते थे लोगों को डराने के लिए। प्रिंसिपल कपूर, परिशोमा, आई एम श्योर प्रिंसिपल नो समथिंग जो वो हमें बता नहीं रहे। क्या प्रिंसिपल नो समथिंग? आई मीन अगर ऐसा कुछ होता तो कहीं नेट पे, प्रिंट में, कहीं न्यूज में तो होता ना यार। पर ऐसा कुछ नहीं है। सी, मैं इस कॉलेज के लेजेंड्स ढूंढ रही थी, बट देयर इज नथिंग ऑन इंटरनेट। ब्लॉग्स, न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, नथिंग। देखो, कॉलेज 13 में 1996 को बंद हुआ था। पर उस दिन से, ओ माय गॉड, उस दिन से लेके पिछले महीने तक इफ यू सर्च एनीथिंग ऑन कॉलेज, इट्स जस्ट नॉट देयर। जिसका मतलब है कि किसी ने इंटरनेट से कॉलेज की सारी हिस्ट्री डिलीट कर दिया है। That's so strange. लेकिन ऐसा कोई क्यों करेगा? क्योंकि clearly someone doesn't want us to know कि कॉलेज में क्या हुआ था। भाई यहाँ स्टूडेंट्स नजर नहीं आ रहे रीमा। Yes ma'am. I think हमें जल्द से जल्द पता करना चाहिए कि स्टूडेंट्स से हम कैसे मिल सकते। We need to tell them what's happening over here. Ma'am, Mr. Kapoor, ये यहाँ के प्रिंसिपल। Okay, इनसे भी मिला। Yes ma'am. Is that it? Yeah. Principal Kapoor. आप लोग? Hi, my name is Bharti. I'm a paranormal investigator. मैं आपको कुछ ऐसा बताने आई हूँ जो शायद आप जानते नहीं। This college is haunted. I know आप कौन हैं। और ये haunted stuff ना बिल्कुल बकवास है। बकवास नहीं है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा है और उसके पीछे कौन है, मैं सब जानती हूँ। I can help. पर कुछ नहीं हो रहा है। Nothing has happened. Please leave. No, I will not leave. Why don't you try and understand? Staff, students, यहाँ तक कि आपके चार्ज। Please आप चुप रहिए। मैं ऐसे rumors tolerate नहीं करूँगा, okay? आप जाइए यहाँ से। Please ma'am, की बात सुनिए। शांत हो जाइए, 5 मिनट अंदर चलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कोई अंदर नहीं जाएगा। अरे kids are out there enjoying their life aur aap yahan par panic create kar rahe hain. Main panic create nahi kar rahi. Why don't you understand? You are in trouble, you could all die. Just shut the hell up, okay? Main aapse politely baat kar raha hu, aapko samajh nahi aa raha hai? Aap jaiye yahan se. Aap bas, I'll call the police, I'll call the press. You're a paranormal investigator, I will shut you down, okay? Get the hell out of my college. Aur dobara is college ke aas paas ka shouting will you? Jaa rahi. Lekin itna yaad rakhna that all these deaths are you. Come on Reema. अब हम क्या करेंगे मैम? सुना नहीं तुमने? He said the kids are up. I think I know where they are. Let's hurry. मैं बोल रहा हूँ अपना कॉलेज हॉन्टेड है। यार ये ना हॉन्टेड हॉन्टेड ना कुछ नहीं होता। अगर है भी ना तो I'm up for it. वैसे भुत्ती कितने साल की होगी? देख 50-60 साल तक की तो चला लेंगे विंटेज। Sounds like a joke to you, does it? तुम्हें आइडिया भी है तुम लोग कितने खतरे में हो? I'm guessing you guys are from MMS college. Yes. और आप? I'm भारती वर्मा। क्या आप सभी लोग MMS कॉलेज से हैं? मैं आप लोगों को कुछ बहुत जरूरी बताना चाहती हूँ, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, आप लोगों को मुझे कुछ बताना। How many of you guys have watched that CD? No one? That's good. और वो बूढ़ी औरत? तुमने वो सीडी नहीं देखी, लेकिन फिर भी वो बूढ़ी औरत तुम्हें दिखाई देती है। आप प्लीज हमें बताएंगे कि हो क्या रहा है? Are we in danger? और आप है कौन? I'm भारती वर्मा। I'm a paranormal investigator। या फिर layman terms में कहें, I'm a ghostbuster। Ghostbuster? और ये? Darling, I'm not just a ghostbuster। I'm also a ballbuster। So watch it. Thank you.
जल्दी कर। मिथिया ने बोल दिया तो इस जगह पर जा। शट अप, जस्ट शट अप। बंद कर उसको, पकड़ बंद कर अपनी। To get out of here as soon as you can. Just try and get out of here. लेकिन जब मैं शहर छोड़कर जा रही थी, I saw her had a bad accident. इसका मतलब ये कि वो पहले से ज़्यादा strong हो चुकी है। शायद शहर छोड़कर जाना possible ना हो। यहीं पर रहकर कोई solution ढूँढना होगा। सबसे पहली बात, उस CD को ढूँढो और कहीं lock and key में उसे बिल्कुल safe जगह रख दो। But if it's so dangerous, हमें उसे destroy कर देना चाहिए, right? तुम्हें क्या लगता है? तुमसे पहले किसी ने ये try नहीं किया? ट्रस्ट मी फॉर नाउ, उसे किसी महफूज जगह पर रख दो। और हाँ, आप लोगों को शायद सुनने में ये अजीब लगे, लेकिन अगर गलती से कोई वो सीडी देख ले तो एक चीज जरूर याद रखो, उसके बाद एब्सोल्युटली नो सेक्स। गोसबस्टर का तो पता नहीं, ये बंदी मूड बस्टर जरूर है। पागल हो गए तुम दोनों, सारा वक्त सिर्फ मजाक ही सोचता है। कभी ये सोचा है कि इस कॉलेज में पता नहीं किस तरह की चीजें हुई थी, कितनी डिबॉचरी हुई थी जिसकी वजह से ये कॉलेज बंद कर दी गई थी? तो हमारे साथ तो कोई डिबॉचरी नहीं हुई ना। नहीं, मैं तो पर्सनली चाहता हूं मेरे साथ डिबॉचरी हो, मतलब हम चाहते हैं कि हो। क्यों भाई हो? Listen guys, I really want to help you. लेकिन आज रात मुझे अटलांटा जाना ही पड़ेगा, इसीलिए मैं यहाँ आ गई थी आप लोगों को वार्न करने के लिए। वार्निंग का क्या फायदा, कोई सलूशन नहीं है। फॉर नाउ सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं, वो सीडी मत देखो, और अगर देख लो नो सेक्स। Do you get that? No sex. भाई मैंने इस बंदी की हर बात मानने को तैयार था क्योंकि वो हॉट है, लेकिन एंड में ये जो गंदी बात बोल के गई है ना, नो सेक्स, दिल से उतर गई है यार। हमको डरा के खुद अटलांटा भाग गई है। Crazy psycho. All I'm asking is कि आप उस व्हीलचेयर को देख के अपसेट क्यों हो गए थे? आप उसे यूज करते थे, कविता मैम ने भी यही कहा था। How dare you? Get out of my office. और अगर नहीं गया तो धक्के मार के बाहर निकालूंगा। मत भूलो मैं तुम्हारा प्रिंसिपल हूं, एक साल के लिए सस्पेंड कर दूंगा। कैसे भूल सकता हूं सर, वही तो हो आप। That is the reason why mom left you. You have lied to me, that's all you've done. Rahul, I'm warning you, you're crossing all limits. Yes, I am. I really am. You know, मैं बाहर किसी को ये नहीं बताता कि आप मेरे फादर हो। क्यों? One, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि कोई मेरे साथ इस प्रेशर में आके दोस्ती करे कि मैं आपका बेटा हूं। And second, आप मेरे बाप हो का? You think I like telling you कि तुम मेरे बेटे हो? हाँ? I have kept quiet. तुमसे एक काम कहा था करने को, कि सब लोगों को ये रखो। कर तो रहा हूं, सब यही है। लेकिन अगर मुझे ये पता चला कि आपका हाथ इन डेथ्स में है, तो I swear to God, मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। स्पेशली अगर रागिनी को कुछ हो। सीडी में क्या था? सम क्रीपी पर्वी वीडियोस, एक लड़की चेंज कर रही थी, नहा रही थी, और कोई छुप छुप के रिकॉर्ड भी कर रहा था। आई हैव बॉयज लाइक दिस, और लास्ट में एक सेक्स टेप, नाइट वर्जन वाला, यू नो, एंड अ कपल, और फिर ओ फक रागिनी, आई स्वेयर आई सॉ इट हियर। रजत, आई ट्रस्टेड यू, तुमने कहा यहाँ कुछ नहीं है। और कुछ नहीं है कभी? अरे मैं झूठ क्यों बोलूंगा? क्योंकि तुम हमेशा से ऐसे ही हो, कॉलेज में भी बिल्कुल ऐसे ही थे। That's not fair. कॉलेज के बाद, I'm a changed man now, कभी। I can see that. मैं निकल रही हूँ यहाँ से अभी के अभी मेरी बच्ची को लेकर, और सबको बता दूंगी कि इस कॉलेज में भूत है। No, no, कभी, 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 no, wait, wait, wait. Just leave me. No, please, listen to me. I don't, there's nothing to talk. कभी, ये जो कुछ भी हो रहा है, इसका तुमसे कुछ लेना देना नहीं है। Just listen to me. No, no, please, listen. Listen, just sit down for a second. Just sit. जो कुछ भी मैं जानता हूं मैं तुम्हें बताता हूं। वो सीडी ऐसे कैसे गायब हो सकती है गाइस? इसी रूम में कहीं होगी। चलो चलो ढूंढते हैं। मे बी हमारे आने से पहले कुछ हुआ होगा यहाँ पे। व्हिच लेट टू ऑल ऑफ दिस। हाँ लग रहा तो चाहिए ये कॉलेज विंग बंद कर। It's okay. All good. Let's go.
All right, guys. Let's go. It's all right. Sir, it's fine. But how did she get the phone? Let's go. Come. ये तो वही है जिसे मैंने स्टोर रूम में देखा था फांसी लगाते हुए। याद रखना वो तेरी मैं देखना उसने सुखी को मार दिया और मुझे भी मार देगी अगर तूने वो सीढ़ी देखी है तो तू किसी लड़की के साथ और वो फेंक दे ठीक है कुछ सोल्यूशन बता रहा था और उसने कंप्लीट भी तो नहीं किया ना अब कर दिया ना ये कहाँ थी और तुझे कहाँ से मिली अंदर दी यू सॉ इट हाँ ऑब्वियसली मैं डरता हूँ उस बॉल बस्टर की बातों से गाइस आई नो वो औरत कौन है रजत रियली ये वो नहीं है जो मुझे दिखती है वो नवारी साड़ी में थी पतली सी लंबी सी और ये तो हेल्दी है तो भूत मोड़ ऑन हो गया होगा ना वैसे मरने के बाद कौन खाना ढूंढता है अब भूत की फैंटेसी और पतले होने की तो अलग बात है अपनी बकवास बंद करो यू नो व्हाट आई मीन हर चीज पे कमेंट तू सीरियसली भूत को बॉडी शेम कर रहे थे हां खुद की बॉडी देखो इट्स लाइक अ बैग ऑफ सीमेंट बिकॉज़ ऑफ पीपल लाइक यू मैंने 6 साल से कार्ब्स नहीं खाए हैं और अब मरने के बाद भी तुम लड़कियों की बॉडी को जज करोगे एसहोल सॉरी शक्तिमान भाई मुझे पता नहीं था कि सोनिया का सॉफ्ट स्पॉट भी है तो राहुल को डेफिनेटली पता होगा ना कि सोनिया का सॉफ्ट स्पॉट कहाँ है शट अप गाइस कैन वी डिसाइड कि उस सीडी के साथ क्या करना है और तूने वो सीढ़ी क्यों देखी तुझसे बड़ा ठरकीना मैंने आज तक नहीं देखा हेलो कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ ठीक है इल्जाम लगाना मुझ पे और बाय द वे वो भूत बस्टर ने क्या कहा था सीढ़ी मत देखना और ऐसी हॉट आंटी की बात तो मैं काट ही नहीं सकता क्या नहीं देखी मैंने सीढ़ी क्या क्या और नहीं देखी मैंने सीढ़ी वो तो मैंने ऐसी पूछा देख ली रेपो भी तो मेंटेन करनी है ना पर गाइस इस सीढ़ी के अंदर जो है वो पाप है हमें इसे नष्ट कर देना चाहिए नो वी कांट डिस्ट्रॉय इट भारती मैम ने कहा था कि हमें इसे किसी सेफ जगह लॉक करके रखनी चाहिए गाइस मेरे पास ना एक लॉकर है तो मैं सीडी को उस लॉकर में सेफली रख सकते हैं आरती तुम्हें वो पिक्चर कहां से मिली वेब पे कोई रिजल्ट्स नहीं थे सो आई चेक्ड कैशेड पेजेस ये औरत टीचर मिस सुनंदा है इन्होंने 1996 में कॉलेज में सुसाइड कमिट किया था और मरने की वजह सफोकेशन तो मुझे लगा वही ओल्ड वुमन होगी आई विल जस्ट बी बैक कहां जा रहे हो कुछ सवालों के जवाब ढूंढने मैं भी आता हूँ कोई जरूरत नहीं है सारे बिल सेटल हो गए हैं मैम आई थिंक आपको निकल जाना चाहिए वरना आपकी फ्लाइट मिस हो जाएगी टिकट्स कैंसिल करवा दो हम कहीं नहीं जा रहे यहीं रुकेंगे अगर कोई प्रॉब्लम है तो दोबारा समझाऊं नो मैम बट अटलांटा पैरानॉर्मल कॉन्फ्रेंस उसके लिए आपने कितने महीनों से तैयारी की थी तो मैम ऐसे सडनली क्यों कैंसिल कर रही हैं मनसुख मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त था और इन स्टूडेंट्स को हमारी ज़रूरत है मैं यूं ही उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती रीमा वी हैव वेरी लिटिल टाइम लेफ्ट ये जो कुछ भी हुआ है मनसुख के वहाँ जाने के पहले हुआ है यानी 1996 से पहले हमें पता लगाना होगा कि एक्चुअली हुआ क्या था वहाँ पर
मैं लोकल पुलिस स्टेशन जा रही हूँ, तुम म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस जाओ, वहां पर जितने भी पुराने रिकॉर्ड्स हैं, मिसिंग पर्सन्स रिपोर्ट्स, अनसॉल्व्ड मर्डर मिस्ट्रीज, एनीथिंग यू कैन गेट योर हैंड्स ऑन, कुछ भी मिले फौरन मुझे कॉल करना, डू यू अंडरस्टैंड? नाउ गो, गो। यू आर एन एजुकेटेड वुमन, सोचो तुम भूतों में विश्वास कैसे कर सकती हो? तो फिर हो क्या रहा है इस कॉलेज में? सर मुझे सब पता चल गया है। ओह रियली? यस। रूम 13 मिस सुनंदा का सुसाइड। सर मिस सुनंदा का कोई एमएमएस बना था और डज शी हैव अ बॉयफ्रेंड हु रिकॉर्डेड हर विदाउट हर नॉलेज? क्यों तुम ये क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मुझे लगता है वो भूत मिस सुनंदा का है। एंड उस एक्स सीडी नहीं, उनका कोई एमएमएस टेप या स्कैंडल नहीं हुआ था। सुनंदा वाज डिप्रेस्ड और उसने सुसाइड कमिट कर लिया, बस और कुछ नहीं। मॉम, मिस सुनंदा आपके बैच में थी राइट? नहीं, वो तुम्हारी मां के जाने के बाद आई थी। और अगर तुमने शर्लॉक होम्स खेलना खत्म कर दिया हो तो प्लीज तुम जा सकती हो। सर आप जो भी छुपा रहे हैं आई विल सून फाइंड आउट। रजत, यू सेड उसे कुछ नहीं पता है, सिर्फ गेस कर रही है। ये आप लोगों का रिकॉर्ड्स रूम है। कोई कंप्यूटर नहीं है जहां पे सारी फाइल स्टोर करते हैं आप? है ना मैडम, बस ऑन नहीं होता, 8 साल हो गए पर रिकॉर्ड वगैरह सही है इसके अंदर। हाँ लेकिन मुझे तो 1990 से 96 के बीच की फाइल्स देखनी, वो मैं यहां कैसे ढूंढूंगी? है ना मैडम, देखता हूं। हेलो मैडम, फाइल्स। थैंक यू। वेलकम मैडम। वैसे अगर शिंदे सर ने मेरे को पहले बताया होता कि क्राइम ब्रांच से एसीपी आ रही है तो मैं सब निकाल के रख देता। अच्छा, एक काम तो तुम लोगों से ठीक से होता नहीं है, ये तरीका है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रखने का। सॉरी मैडम। अब एक काम करो, तुम बाहर जाओ, बाहर वेट करो और जब शिंदे की जीप आती हुई दिखाई देना मुझे इत्तला कर देना। जाओ जी। मैडम आपको कुछ मदद चाहिए मेरा? नहीं, जाओ। पानी? जाओ। ओके मैडम। बोलो। शिंदे साहब आ गए। ओह अच्छा, लेकिन मुझे तो अचानक किसी काम से अभी हेड ऑफिस जाना है, मैं कल सुबह आके उनसे मिल लूंगी। मैडम आप चाय लेके जाएंगे? ठीक है, जाओ बनवा। ओके मैडम। हेलो भारती मैम। रागिनी, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। ये जो स्पिरिट्स हैं, ये हाल फिलहाल की बात है या तुम्हें बचपन से ही दिखाई देते हैं? नहीं, ये तो पहली बार दिख रहे हैं। जब से इस कॉलेज में आई हो अजीब अजीब सी चीजें हो रही हैं, इनफैक्ट फर्स्ट नाइट से। इसका मतलब ये कि ये जो आत्मा है इसका तुमसे कोई खास कनेक्शन है, और ये कनेक्शन क्या है वो हमें पता करना है। कैसा कनेक्शन? आई मीन कॉलेज क्या, मैं शक्तिपुर भी पहली बार आई हूँ। रागिनी, कुछ लोग खास होते हैं, उन्हें स्पिरिट्स दिखाई देते हैं, ऑरास दिखाई देते हैं, वो चीज़ जो आम लोग महसूस भी नहीं कर पाते, वो सारी चीज़ें इन लोगों को दिखाई देती हैं।
और मुझे लगता है कि तुम भी ऐसे ही स्पेशल हो। आई थिंक तुम एक मीडियम हो। व्हाट मीडियम? मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये बूढ़ी औरत की आत्मा तुम्हारी तरफ इसलिए अट्रैक्ट हो रही है क्योंकि वो तुमसे कुछ कहना चाहती है। आई डोंट थिंक वो मुझसे कुछ कहना चाहती है। आई थिंक वो मुझे मारना चाहती है। लेकिन हर बार तुम बच भी तो जाती हो ना। आई थिंक यू नीड टू गिव योरसेल्फ मोर क्रेडिट देन दैट। बैठो। रागिनी, मेरे पास्ट एक्सपीरियंस के मुताबिक मैंने हमेशा देखा है ऐसे केसेस में कोई अनफिनिश्ड बिजनेस या पुराना राज होता है जिसकी वजह से वो स्पिरिट हमारी इस दुनिया में अटकी रहती है। फिलहाल मैं कुछ पुलिस फाइल्स भी स्टडी कर रही हूँ ये देखने के लिए कि क्या यहाँ पर कोई ऐसा अनसॉल्व केस था। लेकिन मेरी मदद करने के लिए तुम्हें भी कुछ करना होगा। ऑफ कोर्स। ये तो तुम जानती हो कि मैं MMS कॉलेज दोबारा नहीं जा सकती क्योंकि प्रिंसिपल साहब ने मुझे धक्के मारकर वहाँ से निकाल दिया है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोबारा टीचर्स क्वार्टर नंबर 13 में जाओ। इतना तो मुझे पता है कि मनसुख वहाँ रहता था और वो फोन भी तुम्हें वहीं मिला था ना। हो सकता है कि एक बार फिर से तुम्हें वहाँ कोई क्लू मिल जाए। क्लू का तो पता नहीं, शायद नया फोन मिल जाए। इट्स नॉट फनी। इट्स नॉट। देखो रागिनी, बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। वो स्पिरिट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती जा रही है और अगर हमें बाकी के लोगों को बचाना है और ये सब कुछ रोकना है देन वी हैव टू डू व्हाटएवर इट टेक्स। ऑफ कोर्स। थैंक यू सो मच। यू टेक केयर। थैंक यू। काफी स्ट्रेस में लग रही हो यार, क्या हुआ? शट अप। एक तो मैं इतनी हॉर्नी हूँ और वहाँ कोई मेरे साथ कुछ करना ही नहीं चाहता। You know what I mean? लोग अंधे हैं क्या? अंधे नहीं, डरपोक है। पता नहीं कोई MMS सर्कुलेट हो रहा है जिसे देखे और सेक्स करे तो कोई गंदी सी ओल्ड वुमन आके मार देती है। I think लोग पागल हो गए हैं। MMS? ओल्ड वुमन? लिसन, मेरे पास टाइम कम है, ओके? मैं छुपके से आई हूँ और अगर प्रिंसिपल को पता चला तो मुझे रस्टिकेट कर देंगे। नहीं करेंगे। यंग लेडी, तुम कॉलेज से बाहर बिना बताए चली कैसे गई? हाँ? Oh, I'm sorry, principal sir. Sorry से काम नहीं चलेगा। You've been a bad, bad girl. तो सर, क्या आप इस bad, bad girl को पनिश करेंगे? Of course. और जाओगी बाहर बिना बताए? You naughty girl. No, principal sir. I'm sorry. मैं नहीं जाऊंगी। अब sorry से काम नहीं चलेगा। तुम्हें examination देनी होगी। Examinations? And no cheating. No, sir. मुझे देखना है कि तुमने कोई चिट्स तो छुपा के नहीं रखी अपने पास। Not at all, sir. Thank you.
मां? Honestly, I don't know what else to believe, Rajat. Please, listen to me. क्या बता सकते ये कौन है? अरे ये तो हमारी क्लास पिक्चर है ना, just before I left. Yeah. पर ये शक्ल क्यों? ये see, this is the chemistry teacher, physics, math. ये कौन है? Bio lab assistant. हाँ, पर ये डरावनी और strict थी ना, in fact. उनका नाम भी बड़ा स्ट्रेंज था. सुंदरी देवी. या तो आप कहाँ हैं सर? मुझे पता नहीं सर. प्लीज यू हैव टू टेल मी, पीपल आर डाइंग इन द कॉलेज. मुझे नहीं पता, क्योंकि किसी को भी नहीं पता. पहले पता नहीं वो कहां चली, उसके घर गए, ताला लगा हुआ, किसी को भी नहीं पता था, बस वो अचानक कहीं गायब हो गई. No sir, she's still here in this campus and we have woken her up after 20 years. कोई बात नहीं, फ्यूज ऑफ हुआ होगा, पुरानी बिल्डिंग है, मैं वॉचमैन को फोन कर रहा हूं. फोन इज डेड. समथिंग रॉन्ग. There's something definitely wrong. Don't be silly. फोन का बिल नहीं भी किया होगा. आजकल लैंडलाइन यूज कौन करता है? नेटवर्क नहीं है. Yeah, there's no network. We have to leave right now. कभी प्लीज मेरी बात तो सुन. No, we have to go, Ragini. बस हमें सबको इनफॉर्म करना पड़ेगा डॉर्म में. We can't leave them like that. Okay, let's go. ये लाइट को क्या हुआ है? There's no network also, guys. तो ये नेटवर्क की बड़ी है. या फोन में 3% बैटरी बची है. अंधेरी रात बिना फोन के कैसे बिताऊंगा मैं? भाई यार क्या हो रहा है इस कॉलेज में? अगर मुझे कुछ हुआ ना, मैं फी के पूरे पैसे वापस लूंगा. गाइस हरी अप हरी अप, वी हैव टू लीव, कम ऑन. हमें इस कॉलेज से अभी क्या भी निकलना होगा. वी नीड टू लीव गाइस. व्हाई? वी हैव टू लीव. क्यों? व्हाई? राइट नाउ, कम ऑन. टच मी. पे चेक करते हैं. Okay. आप क्वार्टर्स में जाके चेक करिए. रागिनी,
रागिनी 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 टॉमी उधर जा है रागिनी 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 सुनंदा मैम अब दोनों मत सुनंदा मैम प्लीज प्लीज अब प्लीज प्लीज मत डरो प्लीज गोलू सुना तुमने हाँ वो रागिनी की आवाज थी आई थिंक वहां से आ रही थी रागिनी अरे यार एक सेकेंड Guys, here! Yo! Dek! The voice is coming from inside! Guys! Jaldi le! Guys, jaldi karo! Guys, faster! Fast! Fast! No! Nagre! Oh fuck! Hola! Shit! Shit! Nagre! Hola! Guys!
संभाल के निकल संभाल। ये हटा इसे, क्या ये भाड़ दे इसे भाई। लाल साड़ी Fuck it, guys. Let's go. Fuck, she's cold. Raj. I know everything. तुम लोगों ने वहां जो भी देखा, the CD, the old woman, I know everything. I'm really scared. Please come home. We have to figure this out together. Please घर वापस आ जाओ. हटो, 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 please move. हटो, हटो, please bring up. Careful. आहिस्ता बेबी, आहिस्ता। रागिनी, रागिनी प्लीज उठो, रागिनी प्लीज यू कांट डू दिस टू मी, रागिनी, रागिनी उठो, प्लीज कुछ करो। वन, टू, थ्री, फोर, रागिनी उठो, रागिनी प्लीज यू कांट डू दिस। वन, टू, थ्री, फोर। बॉडी किसने गाल रखी है वहां पर? बर्न अलाइव। व्हाट? देयर इज अ मर्डर इन दिस कॉलेज। देयर इज अ मर्डरर इन दिस कॉलेज। रागिनी, रागिनी, यू बीन थ्रू अ लॉट। उठाओ उसको, डॉर्म में लेके चलो। नो, नहीं, कोई नहीं। हम कॉलेज छोड़ के अभी जा रहे हैं। दैट्स इट। अभी यहां से नहीं जा सकते। रागिनी, प्लीज डोंट बी स्टिक। वी कांट गो। वी कांट गो। उनके साथ जो भी हुआ, वी हैव टू डू द लास्ट राइड। और इफ वी डोंट डू इट, हर सोल विल suffer forever. You okay. have to understand. Okay, okay, we have to. Okay. ठीक है, मैं करवाता हूँ. उठाओ ऐसे, उठाओ ऐसे, उठाओ, उठाओ. Are you okay? Look at your state. I'm sorry. It's okay. I'm sorry. Don't worry, it's okay.
ओम पवित्रम पवित्रे पवित्राणि ओम पवित्रम पवित्रे पवित्राणि ओम पवित्रम पवित्रे पवित्राणि ओम पवित्रम पवित्रे पवित्राणि ओम पवित्रम पवित्रे पवित्राणि। तुमने जो कुछ भी किया मैं तो डर ही गई थी। थैंक्स की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ अपनी जान बचा रही थी। तुम चाहती तो कॉलेज छोड़ के भी जा सकती थी, सीढ़ी तो मैंने देखी थी। मैं दोस्तों को पीछे छोड़ के जाने वालों में से नहीं। आत्मा की शांति हमने कर दी है, अब किसी भी विघ्न या पीड़ा का कोई प्रश्न ही नहीं होता। यार ये पंडित जी एक सेशन का अच्छा कमा लेते होंगे ना। वो शर्म कर यार, पंडित जी हैं, तुझे हर चीज में पैसा पैसा ही नजर आता है। मुझे पता नहीं था तू इतना रिलीजियस है। अब यार जितने पाप मैंने कर दिए हैं और जितने करने वाला हूँ तो रिलीजियस तो होना पड़ता है ना, सेफ्टी फर्स्ट। धन्यवाद पंडित जी। कुछ रखो वेरी वॉन। आई वुड लाइक टू थैंक रागिनी फॉर बीइंग सो ब्रेव। तुम्हारी वजह से कॉलेज खुल रहा है बिना किसी प्रॉब्लम के। आई रियली होप सो। और ऐसा ही होगा, अब आप लोग अपने डॉर्म्स में जाके आराम कर सकते हैं। प्लीज प्लीज कोई भी कॉलेज के भूत के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं करेगा। कॉलेज खुलने तक सर ऐसा थोड़ी कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी तो कोई चीज होती है। जो भी नहीं पोस्ट करेगा उसको 20% एक्स्ट्रा मार्क्स हर सब्जेक्ट में इस साल। डन सर, कोई नहीं पोस्ट करेगा, कॉलेज रोगे बोल रहा हूं अपने पोस्ट करने के लिए। सर मैं सोच रहा था कि दिस हैज हैपेंड एंड नाउ इट्स ओवर, तो एक छोटी सी सेलिब्रेशन हो जाए, एक गेट टुगेदर। क्या बात है सर, क्लीन एंड सोबर। एब्सोल्युटली सर, इन डाउट चले क्लीन एंड सोबर सर। I put an alert notification for this damn college. Definitely कुछ तो हुआ है। That is amazing news. See it? How is this possible? Great, right? हाँ समान बोलो। What? नहीं लिसन, मैंने मॉम को सब कुछ बोल दिया था कि यहाँ पे सब कुछ ठीक है तो आने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज डोंट कम। नो बिकॉज मुझे तुमसे नहीं मिलना है, जस्ट अभी इतना कुछ हो चुका है, मुझे और ड्रामा हैंडल नहीं करना है। डू यू गेट इट? बाय। हेलो भारती मैम, भारती मैम आप सही कह रही थी, वो आत्मा सिर्फ शांति चाहती थी, हमने उनका अंतिम संस्कार भी कर दिया। आई जस्ट होप उन्हें मुक्ति मिल गई है। रागिनी किसका अंतिम संस्कार कर दिया? सुंदरी देवी। थैंक यू सो मच मैम, अगर आप हमें वॉर्न नहीं करती तो आज कोई जिंदा नहीं बचता। फाइनली इट्स ओवर। आई रियली होप सो। रागिनी क्या नाम बताया था तुमने? मैम सुंदरी देवी। रागिनी One second, ma'am, I have to go. But trust me, everyone is very grateful. Thank you so much, ma'am. Bye. Sundari Devi. सुंदरी देवी का एक बेटा भी था तो फिर उसका अंतिम संस्कार उसने क्यों नहीं किया? यार तुम सब लोग ऐसे कपड़ों में क्यों आए हो? डूड तू ऐसे कपड़े क्यों पहन के आया है?
क्योंकि हमने उसको बोला था कि कॉस्ट्यूम पार्टी है, यू नो व्हाट आई मीन। यार मैं ऐसे नहीं खेलूंगा यार, तुमने कहा था बेवॉच वाले कपड़े पहन के आओगी। या पहले तू रॉक या ज़ैक एफ्रॉन टाइप का तो बन जा। ऐसे तू बन के क्या है? ओ, मुझे नहीं पहचाने। एक मिनट, ओ भी नहीं पहचाना। ओ आई एम स्टैच्यू ऑफ प्यूबर्टी। ये देखो प्यूबर्टी की वजह से बॉल पे बाल भी आ गए हैं। ईयू, सो ग्रॉस। चेस को तुमसे कुछ कहना है, यू नो व्हाट आई मीन। चेस, स्टार्ट टॉकिंग। आई एम सॉरी रागिनी। फॉर व्हाट? तुम्हें गाली देने के लिए और तुम पे ट्रस्ट नहीं करने के लिए। इट्स ओके। रियली? वैसे भी अब मैं भूत को पर्सनली जाती हूँ, तो नेक्स्ट टाइम बचाऊंगी नहीं, सीधा। ओके ओके, बाय। So mean, yeah, right. They call me a slut, a whore, and I don't know what not, and I'm mean. But मैंने भी तो तुम्हें slut shame किया था ना? किया था। नया दिन, नई रात, मेरे लिए तो नई ज़िंदगी भी है। So you're friends, right? Definitely. Who knows? अगर ना बोल दूँगी तो तुम जाके भूत को complain कर दोगी। I'm calling her right now. No. Feminism अपने जगह पे। But I hated that old bitch. So creepy. I know तो उससे जाके बात करना चाहती है। हमारे बीच में इतना कुछ हो गया और बहुत कुछ होना बाकी है। Life बहुत valuable है रागिनी। एक एक second बहुत important है। और अभी तो तू क्या? Okay, I got the point. I'm gonna go meet her. ओए चॉकलेट बॉय, धड़कन के सुनील शेट्टी की तरह क्यों बैठे हो? वाह, तुम ऐसी फिल्में भी देखती हो? हाँ, क्यों? नहीं तो उस टाइप की दिखती नहीं हो ना। अच्छा, मैं दिखती भी हूँ, पार्टी में तो इतना इग्नोर कर रहे थे। यू डोंट लाइक मी एनीमोर राइट? नहीं, आई मीन चीजें थोड़ी ऑकवर्ड थी ना यार। एंड आल्सो यू हैड गॉन थ्रू सो मच, यू ऑलमोस्ट डाइड। ऑलमोस्ट। वैसे थैंक्स फॉर सेविंग माय लाइफ। वैसे ऑलमोस्ट मरने का एक फायदा भी होता है, दैट यू रियलाइज कि तुम्हारे पास कितना कम टाइम है, और इस कम टाइम में मिस्टर राहुल टू तुम मुझे डेट पे लेके जाओगे, मेरे लाइक्स मेरे डिसलाइक्स को फिगर आउट करोगे। बाय द वे आई हेट रोजेस। मुझे स्पेशल फील कराओगे एंड देन फिगर आउट वेयर इट गोस। I would like that. Unless तुम सोनिया या किसी और लड़की में ज़्यादा interested हो तो it's okay. I mean, you know. अच्छा, सुनो मेरी बात। मैं ये चीज़ clarify करना चाहता हूँ, ठीक है? वो मुझ पे आई थी, मैं उस पे नहीं गया था। Obviously, हाँ। क्या? क्या हूँ? Chill. तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारी टांग खींचने में कितना मज़ा आता है। चलो, let's go for a walk. हाँ? Get up. Okay. इतनी हॉट लड़की अकेले कैसे खड़ी है? नॉट कूल यार। इतनी चीज़ी पिकअप लाइन, नॉट कूल यार। फिर भी असर तो हो रहा है ना? सोनिया पे असर हुआ? हुआ था, but it wasn't that fun. You know what I mean? Jess, be my thinner. But come on, yeah. वो इतनी भी बुरी नहीं है. True that. But you know what I mean. वैसे तुम हंसते हुए बहुत अच्छी लगती हो. और तुम फ्लर्ट करते हुए
बहुत बुरे लगते हो। मे बी, पर अपने आसपास देखो, मेरे से बेटर ऑप्शन है तुम्हारे पास। तुम बहुत लकी हो जो आज तुम बेस्ट ऑप्शन। हाउ कैन यू डू दिस? तुम्हें नहीं पता, मैं सिखाता हूँ ना। पहले हिप्स टू हिप्स, फिर लिप्स टू लिप्स। जस्ट शट अप। हिप्स टू हिप्स, फिर लिप्स टू लिप्स, ऐसे ही तो होता है ना। लिप्स टू लिप्स, लिप्स टू लिप्स, थोड़ा ना ये वैसे हो तो सकता है। यू नो व्हाट आई मीन? हाय हाय माय एस। हाय सोनियास एस। ज्यादा स्मार्ट मत बनो। मैं हमेशा सबके साथ स्मार्ट रहती हूँ। अच्छा, स्मार्ट हो तो विकी के साथ क्या कर रही थी? स्मार्ट हो इसलिए विकी के साथ मेकआउट कर रही थी, वरना उससे ज्यादा हॉट उस पार्टी में कोई नहीं था ना। लिसन बिच, विकी इज माइन। क्या? ओके रिलैक्स, मुझे कौन सी उसके साथ शादी करनी है? जस्ट मीट आउट विद हिम। आई एम श्योर ही वाज ड्रंक, वरना तुम्हारे साथ कौन मेकआउट करेगा? विकी जस्ट डिड। गॉश, तुम कितनी डम हो यार। लिसन बिच, जिनके पास लुक्स होते हैं उनको दिमाग की जरूरत नहीं पड़ती। At least I'm not ugly like you. Me, ugly? खुद की शक्ल देखिए, ऐसा लगता है कि पॉइंटी हील्स में आलू रख के विग लगा दिया है। Oh my God, that's enough. तुमने मेरा और राहुल का वीडियो और रागिनी को दिखाया? I'll let it go. Nobody comments on my looks. I'm gonna kill you. How dare you? Bitch! Huh? Ugly look, huh? Just back off! Call me ugly now, bitch! What the fuck are you doing? Are you mad? Sonia, what's fucking wrong with you? Fuck! Insane, bitch! You wanna fight me? You call me fucking ugly? Are you insane? What the fuck are you doing? Oh! अरे विकी सबकी ले रहा है साला डोनर। मैड पीपल। अच्छा, उनकी कोई फैमिली नहीं थी? नहीं, तभी तो अंत्येष्टि भी मैंने ही की थी। पुअर वुमन, कोई आगे पीछे कोई नहीं। पर रजत, उनका मर्डर किया किसने होगा? लुक, आई नो रागिनी बहुत ब्राइट लड़की है, बट मर्डर? अगर नहीं तो फिर उनकी बॉडी वहां कैसे दफन थी? आई डोंट नो, मतलब ये 20 साल पुरानी बात है, हमें कभी पता भी नहीं चलेगा कि एक्चुअली हुआ क्या था। ट्रू, पर हमें पुलिस को तो बताना होगा यार। ऑफ कोर्स कवि, और मैं खुद बताऊंगा। बस कॉलेज खुल जाने दो प्लीज। जस्ट प्लीज यू स्टे, डोंट गो, ठीक है? एवरीथिंग विल बी फाइन, सब लोग सेफ हैं, जस्ट ट्रस्ट मी। हाँ रीमा, वापस आ जाओ, मेरी पैकिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो चुकी है। व्हाट? आर यू श्योर अबाउट दिस? Yeah, okay. Ra-
रागिनी मुझे क्या मुझे तुमसे कुछ कुछ कहना था तो बताओ I mean, what's stopping you? वो you know what वो एक सेकंड भारती मैम हेलो रागिनी रागिनी मेरी बात गौर से सुनो मुझे कुछ पता चला है उस कॉलेज से 20 साल पहले कोई गायब हुआ था भारती मैम आपकी आवाज नहीं आ रही हेलो रागिनी रागिनी तुम्हें मेरी आवाज आ रही हेलो लिसन टू मी ये कहानी खत्म नहीं हुई है दिस इज नॉट ओवर मैं अभी इसी वक्त वहां आ रही हूँ ओके हेलो रागिनी हेलो हेलो क्या हुआ पता नहीं आवाज नहीं आ रही थी शायद वो कह रही थी इट्स ओवर और इसलिए वो जा रही है I don't know. Oh, वैसे okay. तुम क्या कह रहे थे राइट मैं क्या कह रहा था रागिनी वो जो सीपीआर था ना What about the CPR? अब वो सीपीआर क्या वो सीपीआर शक्ति ने दिया था क्या शक्ति really? Yeah. Yeah. Why? अरे एक मरती लड़की को बचाया उसने Shut up. Now come on, let's go down. अरे Make myself a drink. One. No. I only want. Raj! 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 What are you doing, Raj? You're crazy! Raj! Shut up! यार इतनी रात को सिगरेट कहां से मिलेगी What? पर तुम तो स्मोक नहीं करते राइट नहीं आई हेट इट सो पर तुम करती हो ना श्योर वैसे भी मैंने सुना है दैट पीपल लव स्मोकिंग आफ्टर गुड सेक्स सो तुम्हें क्या लगता है व्हाट काइंड ऑफ सेक्स वाज दिस Maybe I'm falling in love with the kind of sex. तुमने कुछ सुना? यामी? What happened? क्या हुआ? वो मर गया. कौन मर गया? वो अमित. What the fuck? What? वो मुझे भी मार डालेगी कौन मार डालेगी चलो गुड नाइट मैं निकलती हूँ अरे रुको ना एक और ड्रिंक राजू 12 बज रहे हैं पता है मुझे आज तक कभी ऐसे राजू नहीं बुलाया वेल मैंने आज तक तुम्हें कभी ऐसे देखा नहीं है एज अ नाइस गाय सर शी स्टिल हियर व्हाट सर वो अभी भी यही है
भूत रागिनी स्टॉप जोकिंग प्लीज मॉम अमित इज डेड यस सर वो आत्मा अभी भी यहीं पे है पर मुझे तो लगा कि वो हम सबको ये लगा था बट शी इज स्टिल हियर मुझे आप दोनों से कुछ पूछना है सुंदरी देवी आपके बैच में थी राइट या डिड शी हैव अ प्रॉब्लम विद अ फुट लाइक अ लिम्ब या आर्थराइटिस नहीं तो क्यों सर आई थिंक यू नो समथिंग तुम्हारा मतलब क्या है यू डोंट बिलीव हिम I'm sure इन्हें कुछ पता है जो ये हमें बता नहीं रहे रागिनी आर यू क्रेजी शिट सोनिया ओह गॉड आर यू ओके नो आई एम नॉट मैं अपनी फोटोज देख रही थी और फोटोज में क्या दिखा डिड यू सी एन ओल्ड वुमन दिखाओ क्या है नो रागिनी आई सी माय डबल चिन ओह माय गॉड व्हाट द फक इज रॉन्ग विद चेस वेयर द हेल वर यू Don't you know you're my thinner? मैं इतनी मोटी लग रही थी Are you fucking crazy? You know what? We all are dying here. यहाँ मैं इस भूतिया कॉलेज में फंसे हुए हैं. Are you still thinking about your double chin and your bloody selfies? You know what? I feel like बड़ी तुम्हें जबड़ा ही तोड़ दूँ मैं. ना रह गए चिनो ना रह गए तुम. सब लोग पागल हो गए क्या? Everybody into your dorms now. ये सब मुझे ही हैंडल करना पड़ेगा. रजत प्लीज कुछ हैंडल करने की जरूरत नहीं है जस्ट पुलिस को बुलाओ एंड दे विल यस आई नो प्लीज मुझे मेरा जॉब मत सिखाओ एवरीबॉडी लीव स्टिल द सेम रजत सम थिंग्स नेवर चेंज चलो लेट्स गेट आउट ऑफ दिस कॉलेज किसी को ये कॉलेज में नहीं रहना है कम ऑन गर्ल्स रागिनी कम ऑन चलो Raj, don't worry. मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी. I promise you, baby. Everything will be fine, okay? अंशुमन सर अंशुमन कौन है What are you doing here? मैंने आपसे कुछ पूछा Get out. I said, get out. नहीं तो आप क्या करेंगे मुझे भी मार देंगे जिस तरह से आपने सुंदरी देवी को मारा है मैंने सुंदरी देवी को नहीं मारा तो आप सही सही बता क्यों नहीं रहे कि हो क्या रहा है यहाँ पर मुझे खुद नहीं पता यहाँ पर क्या हो रहा है पर आपको ये तो पता है ना उस कार्टन में क्या है और वो सीरीज आपने बनाई है नहीं, प्लीज
मेरा विश्वास करो, मैंने नहीं बनाई ये, मुझे सब यहीं पर मिली, स्टोर में। You didn't even destroy them. सर, लोग मर रहे हैं यहाँ पर। You have to tell me what's going on. Okay. I'll tell you. Come to my office. वो दूसरा कार्टन भी उठा लो। सर, what the fuck? सर, open the door. Open. Somebody open the door. गई लड़की रागिनी, गोलू, fuck man, phones are also not working. रागिनी, she's still missing, huh? What about कविता मैम? She's still looking for. कभी नहीं देखा मैंने। मैम, हम सब मरने वाले हैं। मैम, सबने वो एमएमएस देख लिया। मैम, सब तुम इधर क्या कर रही हो? तुमने तो कहा था सब कुछ ठीक है, पागलों की तरह भागी क्यों जा रही हो? एक मिनट, हु इज शी, हु आर यू? ये मेरी बड़ी बहन सिमोन है। आर यू श्योर? क्योंकि तुम नॉट हो। बढ़िया, तो बढ़िया ऑट है। नॉट फनी यार, सब लोग इधर मरने वाले हो। तुझे छोड़ यार, प्लीज प्लीज कीप क्वाइट। क्या रहा है? मैम, अमित के फोन से वो एमएमएस आया और सबने वो देख लिया, हम सब मरने वाले हैं। मैम, एक मिनट, अमित तो मर गया है। आई डोंट अंडरस्टैंड, हाउ इज दैट पॉसिबल? आई नो मैम, बट उसी के फोन से वो एमएमएस आया और सब लोग डरे हुए हैं, सब लोग डर के मारे डॉम के अंदर है, कोई बाहर नहीं आ रहा है। मैम, हो क्या रहा है इस कॉलेज में? एनीवे, रागिनी तुम लोगों को मिली? मैम, मैम, रागिनी, रागिनी कहाँ गायब हो जाती? दैट ब्लडी प्रिंसिपल कपूर, ही लॉक्ड मी इन द स्टोर रूम। क्या, क्यों? आई डोंट नो, वो शेडी लग रहा था, सो आई फॉलोड हिम। उसके हाथ में एक सीडी का बॉक्स था, जब मैंने टर्न किया, ही फकिंग लॉक्ड मी। वी हैव टू फाइंड हिम। उनके ऑफिस चलते हैं। वो वहां नहीं, मैं अभी भी देख कर आई हूं। तो उनके क्वार्टर चलते हैं। आई एम श्योर ही विल बी देयर। लेट्स गो, गाइस, लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, कम, लेट्स लीव। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि रजत ने तुम्हें अंदर स्टोर रूम में बंद कर दिया। मैं हमेशा कहती थी देयर इज समथिंग फिशी अबाउट दैट गाय। वो एक कूली नंबर वन चिपक क्यों रहा है? आगे बढ़। इनका साथ और तुम्हारा आशीर्वाद है ना, तो बहुत आगे बढ़ूंगा। Shut up, man. Aren't you happy to see me? बहन हूँ यार तुम्हारी, पता कितनी मुश्किल से पहुंची हूँ मैं। 2 घंटे चलना पड़ा। इस कॉलेज का नाम सुन के कैब, बस, ट्रक सबने मना कर दिया। और सुनना, ये एमएस का काज कर रहा है। Listen, ये कॉलेज हॉन्टेड है, तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। Oh, I love you too. राहुल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रजत कहाँ पर है? तुम्हें पता, वो प्रेटी प्रिंसिपल कपूर ने मुझे लॉक कर दिया था। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम हमेशा उन्हें ब्लेम क्यों करते रहती हो? राहुल, वो गंदी गंदी सीडीज लेके जा रहे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा, और फिर उन्होंने मुझे स्टोर रूम में लॉक कर दिया। तो क्या तुमने उनसे क्लैरिफाई किया? सीरियसली, उन्होंने मुझे स्टोर रूम में लॉक किया था, तुम चाहते हो कि मैं उनसे क्लैरिफाई करूं? जब भी मैं उनके बारे में बात करती हूं, तुम्हें प्रॉब्लम क्यों होती है? मुझे तो लगता है तुम भी उनके साथ मिले हुए और इतना डिफेंड क्यों करते हो राहुल? क्योंकि वो मेरे डैड है, गॉड डैमिट। राहुल, आई एम सॉरी, लेकिन लेकिन वो एक मॉन्स्टर है ना? पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि रजत ये सब क्यों कर रहा है। I don't care. We need to put an end to all of this. I agree. Ma'am.
हम गलत थे। सुंदरी देवी का अंतिम संस्कार करने के बाद भी वो आत्मा यहीं पर है। अमित भी मर गया और सब ने एमएमएस देख लिया है। What? सब ने एमएमएस देख लिया? इसका मतलब ये है कि सबकी जान खतरे में। We have to get out of here. Come on guys, let's leave. Come on guys, let's go. राहुल, तुम मुझे मिस्टर कपूर से कुछ बात करनी है। Take care of yourself. यामी, तुम्हें कोई जज नहीं करेगा, प्लीज बताओ क्या हुआ था। वो मैं और अमित हम साथ थे और अचानक अमित ने अपने आप को। लेकिन वो एमएमएस तुम सबके फोन पे आया कैसे? वो सीडी तो अमित ने अपने लॉकर में लॉक कर दी थी ना। एग्जैक्टली हाँ, पर उसने लॉकर से वो सीडी निकाल ली थी। व्हाई? क्योंकि उसे लगा कि भूत के हाथ से खत्म हो गए तो वो एमएमएस को वायरल करके पैसे कमाएगा। सीरियसली? मेरी इतनी स्ट्रिक्ट वार्निंग देने के बावजूद भी? पर हमने तो सुंदरी देवी का अंतिम संस्कार भी कर दिया था, तो फिर इसका मतलब ये है कि शरीर जरूर सुंदरी देवी का था लेकिन आत्मा किसी और की है। तो अगर किसी और की आत्मा थी तो मुझे सुंदरी देवी की बॉडी तक क्यों लेकर गई? इस सवाल के कई सारे जवाब हो सकते हैं लेकिन सही जवाब ढूंढने के लिए हमें मिसिंग लिंक ढूंढनी पड़ेगी। मेरी असिस्टेंट रीमा ने जब इन्वेस्टिगेशन किया तो उसे ये पता चला कि जिस साल सुंदरी देवी गायब हुई थी उस साल एक और इंसान भी गायब हुआ था लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है, बस सिर्फ एक नाम है, अंशुमन। अंशुमन, ये नाम तुमने कहीं सुना है? हाँ, प्रिंसिपल कपूर ने स्टोर रूम में यही नाम लिया था। रियली? या और क्या कहा था? और कुछ नहीं, बस नाम लिया था। एक मिनट, अंशुमन नाम का लड़का तो हमारे क्लास में भी था। ज्यादा दिखता नहीं था लेकिन रजत उसे बहुत चिढ़ाता था, वॉज ऑलवेज रैगिंग हिम। इसका मतलब ये हो ना हो अंशुमन ही हमारी मिसिंग लिंक है। डेफिनेटली। Is there any way कि हम अंशुमन का एड्रेस कोई और इन्फॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं? मैं कॉलेज के रिकॉर्ड्स हैक कर सकती हूँ, शायद वहाँ हमें अंशुमन का एड्रेस मिल जाए। Brilliant. तो एक काम करो, आप सब लोग मिलके प्रिंसिपल्स ऑफिस जाओ और वहाँ पर पुराने रिकॉर्ड्स फाइल्स सब कुछ चेक करो, जितना इन्फॉर्मेशन मिल सके वो सब कुछ लेके वापस आना। लेकिन याद रहे सारा वक्त एक दूसरे के साथ रहना, हमेशा सब एक साथ रहना। ओके? ओके। यस। कविता, रागिनी, मैं आप दोनों से बात करना चाहती हूँ अकेले में। लिसन ना, तुम लोग जाकर आओ ना, आई एम वेरी टायर्ड यार, और मेरा बहुत टाइम से ना जॉइन पीने का मन कर रहा है। प्लीज, थैंक यू। लिसन, लाल साड़ी में कोई औरत दिखे तो वो ट्रिप नहीं है, सही में है, तो उसके पास भी मत जाना। बी केयरफुल। जिस साल सुंदरी देवी और अंशुमन गायब हुए थे उस साल एक और अनयूजुअल बात हुई थी, कुछ याद है कविता? व्हाट? नो, याद कीजिए, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालिए, हो सकता है आपको याद आ जाएगा। ट्राई। मेरी असिस्टेंट रीमा ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो उसे ये पता चला कि 20 साल पहले अचानक रातों रात आप एमएमएस कॉलेज छोड़कर चली गई थी और आपके जाने के फौरन बाद दो और लोग गायब हुए थे, अंशुमन और सुंदरी देव। मैं बताइए क्यों गई थी आप कॉलेज छोड़ के और क्या आपके गायब होने से सुंदरी देवी के गायब होने का कोई ताल्लुक था? नो, एब्सोल्युटली नॉट। नो, तो फिर वजह क्या थी? आप कॉलेज किसी भी वजह से छोड़कर नहीं गई थी? देयर वाज नो रीजन। आई फाइंड दैट वेरी हार्ड टू बिलीव। देखिए, मेरा यकीन कीजिए, अगर कॉलेज के ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के मुताबिक आपके कॉलेज छोड़ के जाने की कोई वजह नहीं थी लेकिन मेरा यह मानना है कि कभी भी बिना वजह कुछ भी नहीं होता। सो कविता, हाउ अबाउट यू स्टार्ट टेलिंग अस कि आप कॉलेज छोड़कर क्यों भाग गई थी?
Listen, I don't want to talk about this, okay? एक सवाल है बस। हाँ पूछो। तुमने डिक्लेयर किया था कि शादी करने तक यू विल बी अ वर्जिन। पता तुम्हारे इस जज्बे को मैं सलाम किया करता था। हाँ तो? तो दिल तोड़ दिया तुमने मेरा। आखिरकार तुम्हें भी ठंड लगी गई ना, रुका नहीं गया ना। But losing your virginity to Amit. किसने कहा I lost my virginity to him? I'm still a virgin. मतलब you know ना what happens, where it goes, कैसे होता है? Listen. I know what goes where and where all what all can go. I'm still a virgin. अगर आपको कुछ भी पता है तो प्लीज बता दीजिए। What is it? Mom, please. इस कॉलेज में मैं कितने सपने लेकर आई थी, लेकिन बहुत जल्द मेरे सारे सपने नाइटमेयर्स बन गए। बच्ची थी मैं, हार्डली 20 साल की भी नहीं थी, बस ऐसे ही उस पर भरोसा कर लिया। I was in love. अब सोचती हूँ तो लगता है कितनी stupid थी मैं। किसकी बात कर रही हैं आप? सौरभ, मेरा कॉलेज बॉयफ्रेंड। He उसने हमारे इंटिमेट मोमेंट्स को रिकॉर्ड किया था। I wasn't able to face anyone, तो मैं कॉलेज छोड़कर चली गई। वो MMS, वो मेरा है। Sorry, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? I didn't know how to say it. I'm so sorry. I'm so sorry. मैंने तुमसे ये सब छुपाया। कविता, क्या प्रिंसिपल कपूर ये सब कुछ जानते थे? या इन फैक्ट रजत ने मेरी बहुत हेल्प की। He was my only true friend at that time. उसने मेरा वीडियो लीक नहीं होने दिया। पर उस आत्मा का आपके वीडियो से क्या कनेक्शन है? अंशुमन का जरूर इस सबसे कनेक्शन है। We have to find अंशुमन। Guys, अंशुमन का एड्रेस मिल गया। That's great, आरती। I think you should take picture of this. Yes, yeah. I'll save this. वापस आ गई है। उसने खुद को हील से मार डाला। मैम वो हम सबको मार देगी। हम सब मर जाएंगे। स्टॉप। तुम्हें अंशुमन का एड्रेस मिला? यस आई हैव इट। ग्रेट, हमें वहां जाना चाहिए। क्यों? लेट्स गो। क्यों जाएं हम लोग वहां? ओम जहां जाते हो भूतनी वहां टपक पड़ती है। नहीं, आप खूनी आत्मा हो, ठीक है। मोबाइल नेटवर्क का कुत्ता थोड़ी हो ना, पीछा नहीं छोड़ रहे हो। हम आपकी बात क्यों माने? और वैसे भी सोनिया मर गई ना। भारती, तुम्हें इन सब चीजों में एक्सपीरियंस है, लेकिन हम
हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ से भागकर जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, वो भी नहीं कर पाए, तो मैं समझ सकती हूँ कि आप लोग सब डरे हुए, लेकिन भागना कोई ऑप्शन है ही नहीं। रागिनी तुमने भागने की कोशिश की थी ना, कुछ हुआ, भाग पाई तुम? गाइस शी इज राइट, हमारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं है। एक काम करो, तुम दोनों जाके राहुल को ले आओ, हम किसी को भी पीछे नहीं छोड़ सकते, हम सबको एक साथ रहना चाहिए। गो यस, और बाकी के सारे लोग हमारे साथ अंशुमन के घर चलो। अब लेट्स गो। सबका जाना जरूरी है क्या? हम यहीं रहते हैं, यहाँ पर भी किसी को संभालने के लिए रहना है ना, भूत यहाँ पर आ गया तो? What is wrong with you? No. It's okay. Guys, अगर हम दो घंटे में वापस नहीं आए, then you guys leave. Okay? Yeah. We need to end this. Let's go. This is so cool, यार. मुझे लग रहा है मैं किसी badass chick flick में आ गई हूँ, है ना? Correct? हाँ, what happened? क्या हो गया राहुल को? पता नहीं सर क्या हो रहा है, एक एक करके सब मर रहे हैं। इस कॉलेज में जो कुछ भी हो रहा है ये मेरी वजह से हो रहा है, इसे मुझे ही सॉल्व करना होगा। मैं राहुल को कुछ नहीं होने दूंगा। तुम दोनों राहुल के पास रहना, उसको कुछ नहीं होने देना, कुछ नहीं होने देना। संभाल के चलिए। सिमोन फोन ऑन द रॉक। गाइस जस्ट स्टिक। सिमोन सॉरी। यही घर है क्या? कोई दिख ही नहीं रहा है। घर का दरवाजा किस तरफ होगा? लेट्स ट्राई दिस साइड। या दिस वे। या ये कैसी जगह है? Isn't it creepy? Are you sure आरती ने यही एड्रेस दिया था? हाँ एड्रेस तो सही है। मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई रहता है। Trust me. यहाँ कुछ है। क्या
फोटोग्राफ्स यहाँ पर क्या कर रही है? अरे ये तो आयशा है, श्वेता, दिस इज मानसी, मेरे बैचमेट्स। जो भी हो, हमें सारे क्लूज, सारी इंफॉर्मेशन यही मिलेंगे। सोचना भी मत। कर सकती हो, 100 की शर्त लगाएगी? 2000 ले ले, just don't do it. मैम, girls, मैंने चारों तरफ देख लिया है, खिड़कियाँ दरवाजे सब बंद है, हमें हेल्प मांगने के लिए जाना ही पड़ेगा। ओके, कम ऑन, लेट्स गो। अच्छा, मैं यहीं रुकती हूँ इनकेस मेरी जरूरत पड़े। ओके, कोई बेवकूफी मत करना। Idiot. मॉम की फोटो, ये तो सुंदरी देवी है। ये सुंदरी देवी की तस्वीर है और ये फोटो तो इस घर की ही लग रही है। ये उनके साथ लगता है, ये उनका बेटा है। रागिनी, अगर ये तस्वीरें सुंदरी देवी की है और ये घर अंशुमन का है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अंशुमन सुंदरी देवी का बेटा है।
कुछ नहीं आई वो 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 ये सब क्या देख रहा है पता ये सब क्या देख रहा है आई वो स्टडी करने गन्ने गन्ने लड़के इसी दिन करे तुझे पाल पोस करके मैंने पढ़ा क्या काम कर आई उल्टी सीधी चीजें अरे मार दे रे अरे तू मार के मैं गया था अरे तेरे ने खोर था तभी भगवान ने ऐसे तुझे पाव दिए अभी मैं जाकर सबको बताती हूँ और जब पुलिस तुझे जेल में डालेगी और दुनिया तुझे थूकेगी ना तक तू सीखेगा तक तू सीखेगा तक तू अपनी आई को मारेगा अपनी आई को मारेगा बोल अरे कपूत मैं तुझे मार डालूंगी अपनी आई को मारेगा अपनी आई को मारेगा अपनी आई को मारेगा आई उठना आई आई मतलब माफ कर आई 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 मैंने नहीं किया वो राजू है ना आई उसने बोला था आई उठना आई मतलब माफ करना आई तू यही रुक मैं सब ठीक कर दूंगा तू यही रुक ना मैं भी गया और अभी आया आई मतलब माफ कर आई मैं ना सब ठीक कर दूंगा मैं गंदा लड़का नहीं हूँ आई मैं सब ठीक कर दूंगा मैं गंदा लड़का नहीं हूँ मैं गंदा लड़का नहीं हूँ माफ कर आई तेरा अंशु आई अच्छा लड़का आई गंदा लड़का नहीं है अच्छा लड़का है गंदा लड़का नहीं है
रागिनी, 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 can you hear me? पहले मैं हाय गई, फिर मैं और हाय गई, फिर मैं इतना हाय कि रूप से नीचे धड़ास। ब्रो क्या सॉलिड माल था ब्रो। अरे कुछ मीठा है क्या? मैम आर यू श्योर हम सही रास्ते जा रहे हैं? काइंड ऑफ मैं यहाँ पर स्टूडेंट थी, नाइट टाइम हाइकिंग। नो वंडर रागिनी ऐसी है। रजत, तुमने रागिनी का स्टोर रूम में लॉक कर दिया था। मैं सब समझा दूंगा, लेकिन इस वक्त अंशुमन के घर पहुंचना बहुत जरूरी है। तुम अंशुमन के घर जाना। इस वक्त रागिनी और भारती मैम अंदर फंसे हुए हैं। वी रियली नीड टू गो। चलो लेट्स गो, लेट्स गो। भारती मैम फंस गई हैं। आई नीड टू सेव हर। लेकिन कैसे? सेक्स। Oh my God! Actually, never felt that before. और अगर यहाँ से बच के निकल गए, तो call me. Ragini, ma'am, are you okay? Simri ko. What? Ragini? Ragini? Mom, Ragini? Mom, are you okay? Are you okay? How did you come? I have come. All thanks to Ragini. Principal Kapoor, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपके हिसाब से तो आपके कॉलेज में कुछ अजीब हो ही नहीं रहा था ना? Then what the hell are you doing here? मॉम वो आपका MMS इन्होंने ही बनाया है। अंशुमन के साथ मिलकर आप स्टोरूम में उनका नाम लिया था। आप स्टोरूम में क्या कर रहे थे? अंशुमन के साथ मिलकर इन्होंने ही आपका MMS बनाया है। अब एक्सेप्ट नो मॉम, ही इज मेड द सीडी विद अंशुमन। आप कर लेते कि आपने एक्सेप्टेड दैट योर ड्रीम के अंशुमन का नाम ले लिया था। नो ही नहीं बनाया। अब एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते कि यू आर गिल्टी? He is guilty. अंशुमन अकेला नहीं था, वो लड़कियों की रिकॉर्डिंग करता था और मैं उन सीडीज को कॉलेज में बेचता। तुमने मेरा MMS बनवाया? मैं fucking asshole! Did you watch it? I didn't. बहुत मजा आया तुम्हें? नहीं। Yeah, did you jerk off watching me? You asshole! मैंने एक बार भी नहीं देखा। जैसे मुझे पता चला कि उसने तुम्हारा MMS बनाया, मैंने वो सारी सीरीज डिस्ट्रॉय कर दी, सब के सब। पर एक सीडी मुझे कॉलेज में मिली और पता नहीं क्यों तब से लेकर आज तक मैं उसे जितनी बार डिस्ट्रॉय करता हूं वो वापस पता नहीं कैसे आ जाती है। और ये सब मैंने तुम्हें नहीं बताया बिकॉज मैं हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता था। Rajat, you're a sick man. But मैं नहीं कर पाया। And now, Rahul is in danger. क्या हुआ राहुल को? उस स्पिरिट ने राहुल को भी पोजेस कर लिया। What? इसका मतलब हम सब मरने वाले हैं? नहीं। Ragini, we all are going to die. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। All of us will die. कोई नहीं मरेगा। I know what to do. I know what to do. कोई नहीं मरेगा। He'll be fine. He'll be fine. I'll fix it. Huh?
ये तो वही गाना है। कौन सा गाना? जो वो गाया करता था। कौन? अंशुमन। छोड़ दे प्लीज। तूने सारा इल्जाम मुझ पे लगाया, तेरी वजह से मैंने अपने भाई को मारा, मैं अपने घर में घुट घुट के मर गया, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अंशुमन ने यह कहा था कि वो इस घर में ही घुट घुट के मर गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो बॉडी इस घर में है वो अंशुमन की है। मतलब पुलिस के डर से उसने अपनी जान ले ली होगी और उसका अंतिम संस्कार कभी हो ही नहीं पाया। Exactly. अंशुमन, ये तेरे मेरे बीच की बात है, तू मुझसे निपट, इनको और राहुल को छोड़ दे। रागिनी, हमें अंशुमन की बॉडी जलानी होगी। जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं होगा उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अंशुमन की बॉडी वो कहाँ पर है? बेडरूम में। पर हम लोग बेडरूम तक कैसे जाएंगे, ये दरवाजा अभी तो बंद है। एग्जैक्टली, यहाँ से अंदर जाना पॉसिबल नहीं है। आप लोग सब बाहर के विंडो से ट्राई करो, मैं कुछ और ढूंढती हूँ। सिमोन लाइट ऑफ। या कम ऑन, लेट्स गो गाइस, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम। रागिनी प्लीज बी केयरफुल। यस यस यस, डोंट वरी। Oh,
अंशुमन नहीं, अंशुमन प्लीज मुझे माफ कर दे। देख मैंने तुझे कोई धोखा नहीं दिया, मुझे तो पता भी नहीं था कि पुलिस तेरे पीछे पड़ी हुई है। आए के जाने के बाद मैं खुद तुझे ढूंढने भी आया था पर तू मुझे नहीं मिला। मैंने तुझे बहुत ढूंढा अंशुमन, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दे अंशुमन। अंशुमन नहीं, अंशुमन अंशुमन नहीं, अंशुमन अंशुमन मुझे माफ कर दे। सीरियसली याद नहीं है क्या हुआ? नहीं, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? इट्स ओके, थैंक यू सो मच मैम। तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं, मेरी मदद के बिना भी तुम ये सब कुछ कर लेती। यू हैव अ वेरी ब्रेव डॉक्टर। कुछ लोगों को ये बेवकूफी लगती है रागिनी, कोई आम इंसान कभी भी वो नहीं कर पाता रागिनी जो तुमने किया। फिर लोग चाहे इसे बेवकूफी कहें या ब्रेवरी। तुम्हें याद है एक बार मैंने तुमसे कहा था तुम में स्पेशल एबिलिटीज है? I'll keep that in mind. वैसे तुमने कभी इस बारे में सोचा है कि तुम एक बहुत ही अच्छी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बन सकती हो? मेरी कंपनी में मेरे साथ काम करोगी? बहुत हो गया भूतियाबा, I mean it's enough for now. Never say never. हाँ इतनी उम्मीद करती हूँ कि आगे अगर जिंदगी में कभी किसी भूत को बुलाना पड़ा तो मैं तुम्हें कॉल कर सकती हूँ। Sure. Look after yourself. You too. Thank you.
वापस बॉम्बे जा रहे, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, सिर्फ बैड मेमोरीज। तुम भी हमारे साथ आ जाओ वहां पे किसी कॉलेज में। डैड का सपना था ना ये कॉलेज, मैं यही रुकूंगा जब तक सब कुछ सेटल डाउन नहीं हो जाता। मैं भी यही रहूंगी तुम्हारे लिए। मुझे कुछ डैड की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venusmovies.